सुप्रभात, संहिता बोध के आज के सत्र में आप सबका स्वागत। गत सत्र में हमने वैद्य आदेश काली जी के साथ श्वास हिदमा निदान इस विषय पर अध्ययन किया था। आज के सत्र में हम श्वास हिदमा चिकित्सा इस विषय पर अध्ययन करेंगे। अध्ययन के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है वैद्य नीलेश पाटिल सर। सर ने अपना पदव्युत्तर शिक्षण ये संहिता सिद्धांत इस विषय में टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय यहाँ से प्राप्त किया है। सर ने आयुर्वेद का ज्ञान वैद्य गुरु संजय पेंडसे सर इनसे प्राप्त किया है। सर अभी संहिता विभाग डीवाई पाटिल आयुर्वेद कॉलेज पिंपरी में कार्यरत है। सर पिंपरी चिंचवड़ विभाग में कालेवाड़ी इस विभाग में शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं सर से ये विनती करती हूँ कि उन्होंने आज के सत्र का अध्ययन शुरू करें। शुरू करते हैं। सहस्राक्षम गणाधीशम स्वगुरुम च सरस्वतीम जनकम जनयित्रीम च शास्त्रादो प्रणयामि। तो लास्ट भाग में लास्ट रविवार आपने श्वास हिदमा चिकित्सा का निदान देखा है। एक्चुअली मैं भी खुद अटेंड करना चाहता था लेकिन कुछ काम आ गया इसलिए कर नहीं पाया। क्योंकि कैसे होता है, हमें सभी को पता है कि निदान होने के बाद ही चिकित्सा जो होती है वो साधु होती है। ओके, हेतुलिंग ज्ञान पूर्विका ही चिकित्सा साधु होती है। हेतु और लिंग का ज्ञान होने के बाद ही चिकित्सा जो होती है वो शुद्ध होती है, साधु होती है और पुनर्भव होती है। सो वो थोड़ा भाग जरूर होता है। इसके आगे ऑफकोर्स मैं हमेशा चिकित्सा शुरू करने से पहले कुछ हेतु और संप्राप्ति जो है वो चिकित्सा विशिष्ट होते हैं, जिनका विचार चिकित्सा में हम बहुत ज्यादा करते हैं, वो हम बिल्कुल पहले देखने वाले हैं, उसके बाद हम चिकित्सा शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पहला ही सूत्र सभी को पता ही है कि क्योंकि बहुत सारे जो जुड़े हुए होते हैं वो वैद्य हैं या फिर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, थर्ड ईयर होते हैं, तो उनको ये सभी सूत्र पता होते हैं कि श्वास और हिदमा जो है उनमें तुल्यत्व होता है, दे हैव मेनी थिंग्स कॉमन। ओके, तो वही सूत्र से शुरुआत करते हैं वाग्भट आचार्य। श्वास हिदमा यतस्तुल्य हेत्वाद्याः साधनम ततः तुल्यमेव। ओके, तो श्वास और हिक्का में हेत्वादि जो है वो तुल्य होते हैं। ओके, इसीलिए उनकी साधन, साधन का मतलब हमारे लिए क्या होता है, तो चिकित्सा, यानी वो सिद्ध करने के जो साधन है, चिकित्सा करने के जो साधन है वो भी कैसे है, तुल्य है। ओके, दे आर सिमिलर। सो हेतवादी जो है वो श्वास हिक्का में यतः जिस वजह से समान है उसी के वजह से उसके साधन भी जो है वो समान है, उनकी अलग अलग चिकित्सा नहीं है। तो हेतवादी में क्या क्या आता है वो टीकाकारों ने नीचे दिया है, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने स्लाइड में लिए हैं टीका के, अगर नहीं लिए होंगे तो देख लेंगे। तो पहले हेतु आदि का जो मतलब होता है वो क्या है, देखिए, हेतु प्रागरूप संख्या प्रकृति और संश्रय, ये जो है वो अरुण दत्त कहते हैं कि ये सभी जो भाग है वो श्वास हिक्का में समान है। हेतु है, पूर्व रूप है, संख्या उनकी जो है, प्रकृति यहाँ पर ऑफकोर्स व्याधि की प्रकृति का मतलब होता है दोष। फिर आता है संशय यानी स्थान। ठीक है, तो दैट इज उरस्था, वो सभी को पता है उरस्था और आमाशय उद्भव, ये जो होता है ये इन दोनों में कॉमन है। तो ये जो चीजें हैं वो श्वास और हिक्का में समान है। हेमाद्री जो कहते हैं वो कहते हैं कि आद्य शब्दात दोष दुष्य स्थानानि, ये थोड़ा अलग है इसलिए मैंने वो अलग से लिखा, क्योंकि अरुण दत्त कहते हैं कि हेतु पूर्व रूप संख्या प्रकृति संशय समान है। हेमाद्री जो है वो कहते हैं कि ये तीन चीजें जो है वो श्वास हिक्का में समान है, दैट इज दोष दुष्य और स्थान। अब उन्होंने दोष दुष्य और स्थान इसलिए यहाँ पर उल्लेख किया क्योंकि सभी को पता है त्रिविध बोध्य संग्रह जो चरक कहते हैं वो यही तीन है। ओके, तो त्रिविध बोध्य संग्रह यानी जिनसे हमें व्याधि का ज्ञान होता है, तो वो जो होते हैं वो त्रिविध बोध्य संग्रह, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ संप्राप्ति। तो यही तीन जो होते हैं इनसे ही आप जैसे बोल सकते हो कि हेतु जो कॉमन होते हैं उनसे आगे जाकर व्याधियां अलग अलग होती हैं, दैट इज दीज थ्री फैक्टर्स। सो दोष दुष्य और स्थान। सो इसीलिए हेमाद्री की टीका जो होती है ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, इसलिए वो बहुत जब चिकित्सा करने का टाइम आता है तो वो सूत्र स्थान की टीका हो या फिर आगे कोई भी स्थान की टीका हो, वो हेमाद्री की बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है वो इसी वजह से। तो श्वास और हिक्का में अगर कोई तीन चीजें सबसे कॉमन है तो वो तीन दोष दुष्य और स्थान है, तो हम जब चिकित्सा करेंगे तो ये इन तीनों की ही करने वाले हैं। सो दैट्स वाई दिस इज मोर अंडरस्टैंडेबल बाय अस कि दोष दुष्य और स्थान जो होते हैं वो समान होते हैं।
ओके सो ये एक चीज याद रखिए कि हम दोष दुष्ट स्थान ये हम संप्राप्ति में देखेंगे और वही हम चिकित्सा में यूज करने वाले हैं। ओके अब इसके बाद मैंने जैसे कहा कि कुछ चीजें होती हैं जो चिकित्सा को ध्यान में रखकर हमें निदान का विचार जो करना है वो कुछ चीजें मैंने यहाँ पर समराइज करके ली हैं। सो उसमें सबसे पहले जो होता है हेतुओं में वो मधुर रस के अति सेवन में श्वास आता है। अब ये मैंने जानबूझकर इसलिए डाला क्योंकि अगर आप बाकी के रसों को देखोगे तो मधुर रस छोड़ के कोई और रस के अतियोग में श्वास नहीं आता। और हमें यह भी पता है कि श्वास की चिकित्सा बोली है कि ब्रूहण करो, कर्षण मत करो। ओके उससे अपाय अल्प होता है, क्या बोल सकते हैं उसे, और उसके अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो दे आर इजिली ट्रीटेबल। तो ब्रूहण ही चिकित्सा कही गई है, कर्षण बिल्कुल मत करो ऐसा कहा गया। लेकिन ऐसा होते हुए भी हेतुओं में मधुर रस ही आता है जो ग्रहण करने वाला। ओके सो ये चीज हमें याद रखनी है कि मधुर रस के सेवन में आता है, लेकिन इवन दो हमें ग्रहण चिकित्सा ही करनी पड़ती है। अगेन ऑफकोर्स सभी को पता है कि मधुर रस के अति सेवन का रोल यहाँ पर कफ से आवरण करना ये होता है। तो जो हम कर्षण करेंगे वो पूरे शरीर का नहीं करेंगे, वो सिर्फ उस कफ जो बड़ा हुआ है पूरे स्थान में और जिसके वजह से प्राणवायु को आवरण हो रहा है उसकी हम चिकित्सा करने वाले हैं। सो यहाँ पर मधुर रस अति सेवन का रोल क्या है, तो कफ का आवरण करना। ओके उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज कृशा प्रायोभी रावंती प्रायश्च गृहणी गदा। सभी को पता है स्थौल्य और कार्श में जो चरक जी बोलते हैं उसमें कृश व्यक्तियों को जो प्रायः व्याधि होते हैं उसमें श्वास आता है। इसका रीजन अगेन ये लेने का क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि राजयक्ष्मा हो, प्रतिशाय हो, श्वास हो, कास हो, ये जब दीर्घ काल रहते हैं व्हेन दे बिकम क्रोनिक, ये बाद में धीरे धीरे दे लैंड इनटू शोषक क्योंकि बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं शोष में और पूरे शरीर का शोष कर देते हैं। ये समझने के लिए ये सूत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये अगेन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि श्वास और हिक्का की वेगकालीन चिकित्सा और अवेगकालीन चिकित्सा अलग अलग हो। तो कृशा प्रायो अभिधावंती यानी श्वास बहुत दिन रहने की वजह से जो कार्श आता है उसमें दीर्घकालीन होने के वजह से जो क्षय हुआ है उसको ध्यान में रखकर हमें चिकित्सा करनी पड़ सकती है, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके उसके बाद जो आता है ये सभी को पता ही होगा छर्दी वेग धारण में भी आता है। अगेन ये यहाँ पर मैंने क्यों लिया क्योंकि आप आगे जाके अतिदेश चिकित्सा भी देखोगे कि छर्दी की चिकित्सा श्वास में चलती है, ऐसे भागवत लास्ट लाइन में कहते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये दोनों व्याधि जो है वो आमाशय उद्भव है। ओके और इसीलिए मैंने अगेन ये सूत्र यहाँ पर लिया कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो आमाशय उद्भव है। तो हम जब चिकित्सा करेंगे जैसे हेमाद्री ने ऊपर कहा कि दोष दुष्य और स्थान, तो उसमें एक उद्भव स्थान जो होता है वो इन दोनों में कॉमन है, इसीलिए ये इट कैन लीड यानी छर्दी वेग धारण से श्वास होने के चांसेस होता है। सो ये एक चीज जिनमें कॉमन है आमाशय। ओके फिर जो चीज आती है दैट इज अन्य व्याधि का एज अ उपद्रव बोल सकते हैं आप या फिर उदर का बोल सकते हैं जो होते हैं वो आगे तीन जो है वो विद्रधि में, अस्थि मज्जागतवात में और हृदय शिर मर्माभिघात में। ओके तो विद्रधि में या आपको पता है हृदय और यकृत जो है उसमें विद्रधि जब होता है तो श्वास होता है ऐसे कहा है। ऑफकोर्स वहां पर व्याधि से व्याधि उत्पन्न होना दैट इज एक्सपेक्टेड। ऑफकोर्स यहाँ की श्वास की चिकित्सा वहां नहीं चलेगी, आपको उस व्याधि की ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, लेकिन यू हैव टू कीप दैट इन माइंड क्योंकि जब रुग्ण सामने आता है तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके ये इसके सारे रीजन पता होने चाहिए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। उसके बाद अस्थि मज्जागत वात में श्वास बहुत ज्यादा होता है, ये एक लक्षण ध्यान में रखना जरूरी होता है। और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हृदय और शिरोमर्माभिघात। तो आजकल भी ये केसेस देखते हैं, आपको पता होगा शिरोमर्माभिघात इज टोटली डिफरेंट ही कि उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हृदय का मर्माभिघात जो है वो निज दोषों के होने की वजह से आपको पता होगा कि कार्डियक ओरिजिन जो होता है उसके वजह से भी श्वास वगैरह लगता है। ओके सो उसमें हृदय की दृष्टि होती है और उसके वजह से सांस फूलना वगैरह होता है। ऐसी चीजों में आपको हृदय मर्माभिघात याद रखकर उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। शिरो मर्माभिघात को हमें सभी को पता है वो आगंतु में और उसमें ज्यादा जाता है, इसलिए और मैंने उसके पेशेंट्स बहुत सारे देखे नहीं है तो उस पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हृदय के ओरिजिन से हृदय की दुष्टि होने के वजह से श्वास लगना ये आजकल भी दिखाई देता है, मॉडर्न मेडिसिन भी उसका निर्देश है, मुझे बहुत ज्यादा उसका पता नहीं, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखने के लिए मैंने ये यहाँ पर निर्देश किया है कि हृदय की दृष्टि होकर श्वास होना ये एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जब आप चिकित्सा करते हो।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं संप्राप्ति के लिए वो दैट इज उरस्थ होता है और आमाशयोद्भव होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आगे क्योंकि अब बहुत सारे चिकित्सा के कल्प देखोगे तो उसमें हम जो जनरली प्रैक्टिस में यूज करते हैं उनको छोड़कर कुछ अलग ही बहुत सारे द्रव्य उसमें आ जाते हैं, यानी श्वास और हिक्का अगर आपने चिकित्सा पढ़ी होगी तो उसमें क्या हो जाता है कि इसमें ये जो आमाशयोद्भव संप्राप्ति होती है और उसका रोग मार्ग जो मैंने नीचे लिखा है दैट इज कोष्ठ, इनको टारगेट करके भी बहुत सारी चिकित्सा के कल्प और योग उन्होंने दिए। तो होता क्या है, हम इस तीन चीजों में से हम टारगेट बहुत सारा जो होता है वो उरस्थ में ही करते हैं, ओके। आमाशयोद्भव और कोष्ठ रोग मार्ग इनमें हम बहुत टारगेट नहीं करते, इसीलिए अपुनर्भव उपशय बहुत बार नहीं मिलता, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये वात व्याधि के भी अगर सूत्र याद हो तो आमाशयगत वात में भी श्वास आता है। सो उसका रीजन भी अगेन यही है कि श्वास और हिक्का ये दोनों का उद्भव ही आमाशय से, सो आमाशय में जब बात आता है सो इट कैन गो लीड टू इट कैन फॉर्म श्वास, तो उससे श्वास व्याधि हो सकता है। और ये जब प्रकोपित होते हैं तो उनका स्थान जो होता है वो उर होता है, ओके। सो उरस्थ इज यू नो जैसे कुरुक्षेत्र होता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ वहां पर लड़ाई लड़ी गई, सो इवन दो व्याधि जो उत्पन्न हो रहा है वो आमाशय से हो रहा है लेकिन लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो कहाँ पर हो रही है, तो उर में हो रही है। सो इसीलिए आपको उर स्थ होने के कारण ये दोष आगे जाकर उर में स्थान वैगुण्य प्राप्त करके व्याधि उत्पन्न करते हैं, इसलिए उर पर हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो अपान का उदावर्त जैसे लक्षण हो जाते हैं या फिर आमाशयगत वात हो जाता है, ये जब चिकित्सा में छूट जाते हैं तो फिर उपशय नहीं मिलता। इसीलिए ये दो चीजें आमाशयोद्भव होना या फिर इट कैन बी ड्यू टू आमाशयगत वात और कोष्ठ रोग मार्ग, ये चिकित्सा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम कल्प देखेंगे चिकित्सा देखेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा रिलेट हो जाएंगी। यहाँ पे जो आगे वाला जो सूत्र है वो अगेन सूत्र वाग्भट ने चरक का जो है कफ वातात्मक हुए तो ऐसे जो चरक ने कहा है वो लिखा है कि ये शिक्षा और श्वास जो है वो कैसे है, तो कफ वातात्मक है, यानी कफ और वात ये जो है ये इनमें प्राधान्य से व्याधि उद्भव करने के लिए कारणीभूत होते हैं। उसके नीचे जो दिया है ना वो मोर इम्पोर्टेंट है, यानी चक्रपाणि ने जो श्वास हिक्का के जो हेतु संग्रह दिया है चरक ने, उसके नीचे ये टीका लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तद अनेन वातजनक कफजनक हेतु वर्ग द्वय विच्छेद पाठेन वात कफयोः अत्र स्वहेतु कुपितत्वेन स्वातंत्र्यं दर्शयति न अनुबंध रूपत्वम्। हे खूप महत्वाचं आहे, ये अंडरस्टँड करना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि अगर आप चरक का हेतु संग्रह देखोगे, एक मिनट मैंने उसके लिए निकाल के रखा है, ओके है दिसता है ना जलपाती माँ जितेंद्र, हाँ यस। सो ये जो है ना ये चरक का हेतु संग्रह है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम या रजसा धूम वाताभ्याम से लेकर यस अतिसार व्याधि यहाँ 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 तक ये सभी जो होते हैं ये वात के प्रकोप के ज्यादातर हेतु है, और निष्पावमाश से लेकर आगे जो है ना वो सभी अभिषंद कफ इनका प्रकोप करने वाले हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर टीका जो चक्रपाणि ने लिखी है कि ये जो दो हेतु है उनका अलग अलग कैटेगराइजेशन चरक करते हैं, एक वातजनक है और एक कफजनक है, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर वात कफ का अनुबंध स्वतंत्र परतंत्र या फिर प्रधान और गौण ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं होता, दोनों भी क्या हो रहे हैं स्वहेतु कुपितत्व है ना स्वातंत्र्यम दर्शय, दोनों भी दोष जो है वो स्वतंत्र है, यानी ऐसे नहीं है कि वात प्रधान है और कफ अनुबंध है या फिर कफ प्रधान है और वात अनुबंध है, ऐसे नहीं है, दोनों का इंपॉर्टेंस उतना ही है, ओके। सो देयर इज नो अनुबंध, इसीलिए चरक जो है वो हेतुओं का कैटेगराइजेशन है वो वाटर टाइप जैसे लगता है कि वो दोनों अलग अलग से, ओके। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्योंकि चिकित्सा करते वक्त इसीलिए अगेन आपको पता होगा कि कफग्न और वातग्न दोनों चिकित्सा करनी पड़ती है, लेकिन अगेन सुतराम मारुतापहम यानी वातग्न चिकित्सा ज्यादा करनी चाहिए ये भी कहा है, उसका रीजन उस टाइम देखेंगे, ठीक है। सो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वात और कफ जो है वो स्वहेतु कुपित होते हैं और वह स्वतंत्र होते हैं, ओके।
सेम टाइप ऑफ जो संप्राप्ति होती है ना वो वात रक्त में होती है। अगर आप वात रक्त के भी सूत्र देखोगे वहां पर भी यही निर्देश आता है कि वहां पर ऐसे नहीं होता कि वात प्रकोपित होकर रक्त को दुष्ट करता है फिर वात रक्त होता है। अगर आप सूत्र पढ़ोगे तो वहां पर भी उन्होंने कहा है कि वात और रक्त स्व हेतुओं से प्रकोपित होते हैं, दुष्ट होते हैं और वो अन्योन्य आवरण करते हैं। यानी रक्त भी वात को आवरण करता है, वात भी रक्त को आवरण करता है। तो वात रक्त में भी दोनों फैक्टर्स जो है वो स्वतंत्र रहते हैं। ओके, वैसे ही इसमें ये जो हिक्का श्वास है उसमें ये जो वात और कफ है ये स्वतंत्र हेतु से प्रकोपित होकर काम करते हैं, इसलिए चिकित्सा करते वक्त इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ओके, उसके बाद जो है ये दैट इज आवरण। दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि हिक्का श्वास जो है वो संप्राप्ति जो है हिक्का श्वास की वो बहुत ज्यादातर आवरण जैसे ही होती है, या फिर आप कह सकते हो आवरण ही होता है। ओके, सो इसका वर्णन इंदु ने लास्ट सूत्र में यानी किंचित कफो वातघ्नम वाला जो चिकित्सा सूत्र है वहां पर उन्होंने ये दिया है, हिद्मा श्वासयो हो वात कफात्मकत्वात् वात कफयो हो च आवार्य आवरक भावेण। ओके, सो कफ जो होता है वो आवरक होता है और वात जो है वो आवार्य होता है, यानी उसका आवरण होता है, भावेन स्थित है। कदाचित वात कर्म कफापहम कार्यम येन आवरकः कफेन कफोन कफेन, शायद है वो उन्होंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, अत्य अनावरणात् प्रति प्रतिहत जवश्च वायुर्वृद्धम स्वमार्गम गृह्णाति। और इसीलिए यत किंचित कफ वातघ्नम, कभी कभी कफ की चिकित्सा करनी पड़ती है, कभी कभी वात की चिकित्सा करनी पड़ती है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आवरण की जो संप्राप्ति है वो भी यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप चरक के जो संप्राप्ति दी है चरक ने श्वास में, और सेम अगर आप कंपेयर करोगे चरक में वात व्याधि में आवरण का वर्णन जो है वो दोनों सेम लगेंगे। यानी आवरण में देख जो दिया है वो सूत्र क्या है, यस वायुरेव ही सूक्ष्मत्वात् द्वयोः तत्रापि उदीरणः कुपितस्तौ समुद्भूय तत्र तत्र क्षिपणगदा। यानी आवरण में वो क्या बोलते हैं कि वो सभी पता है कि वात पित्त कफ जो है वो पूरे शरीर में घूमते रहते हैं और उसमें भी वायु सूक्ष्म होने की वजह से वो क्या करता है, तौ समुद्भूय यानी तव यानी कफ और पित्त को उद्धूय उसको ही वो दुष्ट कर देता है और तत्र तत्र क्षिपण गदान और वहां वहां पर व्याधि कर देता है। शायद यहां पर होगा, यहां का भी सूत्र में दिखा देता हूं श्वास में जो है। यस नाउ सी किती सिमिलरिटी आहे त्याच्यामध्ये, मारुधा प्राणवाहिनी स्रोतांशी आविष्य कुपिती उरसा कफम उद्धूय हिक्का श्वासन करोति सा। वैसे वहां पर आवरण में जैसे वो बोलते हैं तव समुद्धूय और तत्र तत्र क्षिपण गदा, तो वहां पे वो आवरण की एक कॉमन संप्राप्ति है कि वो कफ और पित्त को वहां वहां उद्धूय करके वहां वहां रोग करता है। सेम हैपन्स इन हिक्का श्वास, उरस्थः कफम उद्धूय, तो वात जो होता है वो कफ से आवृत्त होता है, वो उसको ही दुष्ट करके हिक्का और श्वास को जो है उत्पन्न करता है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आवरण की जी गोष्ट आहे ही इथं समजून घेणं खूप गरजेचं आहे, कि इसीलिए थोड़ा कफ की चिकित्सा की थोड़ी वात की चिकित्सा की ये करना पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर जो हम शोधन वगैरह में देखेंगे वहां पर वमन विरेचन करो लेकिन वात अविरोधी करो, दिस इज टिपिकली आवरण चिकित्सा। यानी अगर आप कफावृत्त पित्तावृत्त की भी अगर चिकित्सा देखोगे तो कफग्न और पित्तघ्न चिकित्सा करो लेकिन वात अविरोधी करो, यही चिकित्सा सूत्र होता है आवरण में। ओके, सो वही हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ओके, सो आवरण की चिकित्सा जो है वो हिक्का और श्वास में करनी पड़ती है जानबूझकर, ये हमेशा याद रखो। तो फिर डिफरेंस क्या होता है कि कफावृत्त वात और हिक्का श्वास में फिर अलग क्या होता है, क्योंकि अगेन कफावृत्त वात हो या फिर कौन सा भी कफावृत्त प्राण कफावृत्त उदान ये अलग अलग व्याधि है, तो हिक्का श्वास और कफावृत्त प्राण या फिर कफावृत्त उदान इनमें अलग क्या होता है, तो फॉर मी इट इज अ कोष्ठ। ओके, कारण इथे कसा है यहां पर क्या होता है कि अगर कफावृत्त वात है तो उसकी संप्राप्ति जो है वो उरस्थ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यहां पर उद्भव जो है वो आमाशय उद्भव है। ओके, तो हिक्का श्वास में और कफावृत्त वात में थोड़ा अगर अलग कुछ होगा तो दैट इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कोष्ठ, सो वो चिकित्सा एडिशनल हमें करनी पड़ती है हिक्का श्वास में जो आवृत्त वात से थोड़ी अलग है। अगेन मैं थोड़ी अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर भी वात के अनुलोमन के लिए चिकित्सा करनी पड़ सकती है। ओके, सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोष्ठ जो है वो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा है जो आवरण में नहीं है। ओके, देन
नीचे वाले जो है वो अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट, मृत्यु काले कुर्ता लो या फिर वो अरिष्टा आप अगर देखोगे इंद्रिय स्थान का भी या फिर वाग्भट के शारीरिक स्थान में भी, बहुत सारे व्याधियों के अंत अंत में एज अ अरिष्ट सूचक या फिर इवन नियरिंग टू डेथ अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो हमेशा श्वास होता है। ओके क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा है मृत्यु काले कृतालयो, यानी जब मृत्यु आता है तो वो घर बनाकर रहता है शरीर में, दैट इज इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात जो है उनका दुर्जयत्व, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि वट इज इन्वॉल्विंग इज अ प्राणवायु। अगर आप वात व्याधि सॉरी वात रक्त निदान वाग्भट का देखोगे तो उसमें उन्होंने पांच जो वायु है उनके अलग अलग हेतु और उनके लक्षण दिए हैं, तो वहां पर प्राणवायु में श्वास आता है। सो प्राणवायु की इन्वॉल्वमेंट होने के वजह से ये दुर्जयत्व ज्यादा आता है क्योंकि अगेन उसका काम भी वही है प्राणवायु का। सो दैट्स वाई अगेन इनकी चिकित्सा जो हम कहते हैं क्रियाकालम न हाप, ये ध्यान में रखकर करनी पड़ती कि छींका श्वास हुआ है ओके बाद में थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा एक हफ्ते के बाद चिकित्सा शुरू करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। बिकॉज हमने जैसे ऊपर भी देखा कि ये जब धीरे धीरे क्रोनिक होने लगते हैं तो वो क्षय शोष ये करने लगते हैं, इसीलिए ये दुर्जयत्व ध्यान में रखना और उनकी चिकित्सा आशुकारी जल्दी से शुरू करना ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके सो शायद कबर हाँ इसमें सिर्फ एक चीज मैंने लिखना भूल गया था, दैट इज फुफ्फुस और जो हृदय की उत्पत्ति है वो यहाँ पर शायद मैंने डालना भूल गया था कि रक्त फेन उद्भव ये जो होता है सुश्रुत ने जो हर एक अवयव की उत्पत्ति दी है, सो वहां पर रक्त का जो इन्वॉल्वमेंट है बोथ इन हृदय एंड फुफ्फुस वो भी हमें चिकित्सा करते वक्त ध्यान में रखना होता है। क्योंकि जब आप वासा यूज करते हो श्वास कास के लिए या फिर जब आप जीवनीय गण यूज करते हो विदारी वगैरह, तो इनका जब काम होता है श्वास कास पर उसमें रक्त की भी रक्त का भी रोल होता है क्योंकि वासा का भी काम पता है, जीवनीय गण भी पता है, विदारी पता है कि वो रक्त पर भी काम करते हैं और वो उरको और फुफ्फुस को बल भी देते हैं। सो ये एक चीज जो यहाँ पर मैंने डालना भूल गया हूँ कि उनका उद्भव जो होता है उसमें रक्त का जो इन्वॉल्वमेंट है फुफ्फुस में और हृदय में वो भी एक चिकित्सा के लिए याद रखना जरूरी है। ओके सो जितना मुझे एक चिकित्सा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है हिक्का श्वास में वो मैंने अभी कवर किया है। अब उस पर हम चिकित्सा हम कैसे करते हैं क्योंकि कैसे करना ये अभी जो हमने फैक्टर्स देखे हैं ना उसको ही हम बैलेंस करने का ट्राई करेंगे हर एक चिकित्सा सूत्र में, कि अगर आवरण है तो आवरण के लिए चिकित्सा, मधुर रस सेवन अति होने के वजह से क्या हम करेंगे, कार्श ज्यादा होने के वजह से क्या करेंगे। सो हम जो अभी चिकित्सा करेंगे ये इनको ही बैलेंस आउट करने के लिए होगी। ओके सो ये जो हमने अभी पॉइंट्स देखे वो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड रखिए तो चिकित्सा जो आगे है वो समझना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके तो शुरुआत ही होती है स्वेद से, सभी को पता है तदार्थं च पूर्वं स्वेदैः उपाचरेत् स्निग्धैः लवण तैलाक्तम्। ओके तो स्वेदैः स्निग्धैः तो तदार्तम, तो श्वास और हिक्का से जो आरत है उनको पूर्व यानी सबसे पहले क्या करो, लवण तैलाक्तम् स्निग्धैः स्वेदैः उपाचरेत्। तो लवण और तैल से आक्त करके स्निग्ध स्वेदों से उनकी उनका उपचार करो। ओके तो यहाँ पर अगेन लवण और तैल हमें सभी को पता है लेकिन वो आक्त है, ये याद रखिए कि सिर्फ ऊपर ऊपर से लगाया, यानी वो थोड़ा हम वो बहुत बार इधर जो को हम बोलते हैं ना कि केरल के पद्धति में और महाराष्ट्र के स्नेहन करने के पद्धति में वो बहुत डिफरेंस है, यानी महाराष्ट्र में थोड़ा एक वाटे में थोड़ा हम तेल लेते हैं और वो स्नेहन करते हैं पूरे शरीर का, और केरल में बहुत सारा स्नेह यूज करता है। सो दैट टाइप ऑफ स्नेहन इज एक्सपेक्टेड इन हिक्का श्वास, आक्त करना है यानी पूरा उर जो है वो बहुत सारा तेल जो है वो उर पर लगना एक्सपेक्टेड है। ओके सो लवण और तैल इनसे पूरा उर आक्त करना और उसके बाद स्निग्ध स्वेदों से उपचार करना। ओके अगेन यहाँ पे उन्होंने जानबूझकर ये कहा है कि स्वेद भी कैसे होने चाहिए, तो वो स्निग्ध होने चाहिए, नॉट एट ऑल रुक्ष, क्योंकि अगेन हमें पता है जो लास्ट वाला सूत्र है कि कर्षण हमें नहीं करना है। ओके सो आपल्याला कर्षण करायचं नहीं है तो इसीलिए स्वेद भी जो हम यूज करेंगे वो कैसे होंगे, स्निग्ध होंगे। अब प्रैक्टिकली अगेन फिर स्निग्ध स्वेद यानी प्रैक्टिकली कौन से, तो अगर आप सभी प्रकार देख लोगे यानी वाग्भट ने जो कहे हैं चार प्रकार या फिर इवन चरक ने जो 13 कहे हैं उनमें से अगर ऑलमोस्ट नाड़ी स्वेद हो हम जो स्वेद करते हैं वो सभी स्निग्ध ही होते हैं, वेरी रेयरली, यानी आपको पता वो वालू का स्वेद होता है या फिर बहुत बार हम नमक का स्वेद बोलते हैं आम बात में, यही थोड़े जो है वो रुक्ष स्वेद है। सो आप हॉट वाटर बैग वगैरह ये भी यूज कर सकते हो, वो सभी स्निग्ध स्वेद में ही आता है,
जहां जब आप द्रवद्रव्य यूज करोगे, पानी यूज करोगे, दूध यूज करोगे, वो सभी क्या होंगे, वो स्निग्ध स्वेदी होंगे। ओके, सो स्निग्ध स्वेदी यानी क्या, तो जो एक्चुअली हम बहुत सारे जो यूज करते हैं वो सारे स्निग्ध स्वेदी होते हैं। तो नाड़ी स्वेद वगैरह ये जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो स्निग्ध स्वेद ही है। चरक यहाँ पर स्पेसिफिकल तीन ही स्वेद बोलते हैं, दैट इज नाड़ी, प्रस्तर और संकर। ओके, अगेन ये क्यों, क्योंकि वो वातग्न बहुत ज्यादा है, आगे भी हम उपनाह और उपकारिका देखेंगे, ये सभी वातग्न बहुत ज्यादा स्वेद है, इसलिए उनका निर्देश आता है नाड़ी, प्रस्तर और संकर। तो ये स्वेद जो है वो यूज करने के लिए कहा है। अगेन नीचे जैसे टीका में उन्होंने दिया है, स्निग्ध ही क्यों, न रुक्ष ही वातकों को भया, क्योंकि रुक्ष स्वेद करके वात प्रकोप ना हो, इसलिए जानबूझकर अगर कोई स्वेद करना है तो वो स्निग्ध होना चाहिए। ओके, अगेन यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली पेशेंट अगर बहुत ज्यादा रुक्ष हो तो उसमें हम जो प्रैक्टिशनर है उनको पता ही होगा, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए कह रहा हूँ कि हम क्षीर वगैरह भी उसमें यूज कर देते हैं तो वो ज्यादा स्निग्ध हो जाता है और वो वात प्रकोप नहीं करता। ओके, सो फिर नाड़ी स्वेद हो या फिर अगर हमारा जो पूरा पेटी स्वेद होता है उसमें भी पानी के पानी में हम थोड़ा और दूध भी मिला देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये अगेन वात प्रकोप जो है वो और बैलेंस हो जाता है। ओके, सो ये सभी प्रैक्टिकल चीजें हम यूज कर सकते हैं। इवन आम्ल लवण रसात्मक चीजें भी आप उसमें ऐड कर सकते हो तो उससे और वात का अनुलोमन होने के लिए भी यूजफुल रहता है। सो ह्या सगळ्या गोष्टी स्निग्ध स्वेदामध्ये येतात। सो साधं दूध वापरलं तरी ते मोर दॅन इनफ इट इज, अगर आप क्षीर उसमें यूज करते हो तो। सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पर समझने की चीज जो है कि स्वेद जो है यहाँ पर एज अ पूर्व कर्म नहीं है सिर्फ। ओके, इसके बाद अगेन वाग्भट चरक ये सभी इसके बाद वमन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वेद जो है वो हिक्का और श्वास की प्रधान चिकित्सा है, इट इज नॉट जस्ट पूर्व कर्म। ओके, कारण ह्याचाच इसका इंटरप्रिटेशन जब आगे हो जाता है तो वो अस्वेद्यानाम अपिक्षणम कहते हैं कि जिनका जो स्वेदन अर्घ नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत स्वेदन करो ही। इसका अंडरस्टैंडिंग ही यही है कि स्वेद जो है वो हिक्का और श्वास की प्रधान चिकित्सा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं भी जब चिकित्सा करता हूँ ये मैंने दोनों चीजों के लिए यूज की है। वन इज फॉर अ प्रिवेंशन, यानी बहुत बार कैसे होता है ये अभी बारिश का जो सीजन है और या फिर क्लाउडी एनवायरनमेंट जब होता है तो हिक्का और श्वास के हिक्का यानी नहीं श्वास के एक्चुअली वेग आते हैं जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट कंडीशन होती है तो उनको ये वेग ना आए। ओके, सो उसके लिए भी ये स्नेहन स्वेदन वेरी यूजफुल रहता है। और दूसरा इन अ लॉन्गर टर्म धीरे धीरे उपशय प्राप्त करने के लिए भी स्नेह और स्वेदन यानी उर का स्नेह और स्वेदन ये चिकित्सा में बहुत यूजफुल रहता है। यानी बहुत ज्यादा जो अपन मराठी मध्ये खोकल्याची उबळ येणं, ओके, तो ये बहुत एकदम से जो खांसी आती है और उसके साथ श्वास होता है, ऐसे पेशेंट्स को रोज ही तेल लगाकर हॉट वाटर पे वाटर से सेकना, हॉट वाटर बैग से, ये एज अ चिकित्सा बोलनी ही चाहिए क्योंकि इसके वजह से आगे जो हम पता है कि मार्दव वगैरह आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है ना वो क्लियर आउट हो जाता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को जब वो जो क्रोनिक होते हैं और सभी को ये पता है कि कोई भी व्याधि जो है वो अल्टीमेटली जब क्रोनिक होता है इट लीड्स टू वात प्रकोप। हमेशा आप रक्त पित्त देखो, आप ज्वर देखो, सब में अल्टीमेटली क्या आता है, लास्ट में रुक्ष आने लगता है और रुक्ष से वजह से क्या होता है, वात प्रकोप होता है। तो हिक्का श्वास भी जब क्रोनिक हो जाते हैं तो उनको रिवर्स करने के लिए रोज स्नेहन और स्वेदन करना उर का ये बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा होती है आणि ये आवर्जून सांगावी अशी ती आहे। त्यामुळे ये समजना जरूरी है कि यहाँ पर स्वेदन कर्म जो है वो प्रधान चिकित्सा है, इट इज नॉट जस्ट पूर्व कर्म ऑफ वुमन। ओके, और ये भी हमें पता है ना स्वेदस्तु दोषम नैति द्रवत्वम ये वगैरह चीजें जो है वो आगे आएगी। ओके, तो उसकी फलश्रुति क्या होती है, ये जो हम उर का स्नेहन और स्वेदन करते हैं तो उससे होता क्या है, तई ही यानी ऊपर हमने जो देखा स्निग्ध ही स्वेद ही। ओके, तो उसको ही वो कंटिन्यू कर रहे तई ही, तो उसके वजह से क्या होता है, केशु ग्रथितः कफः सुलीनः अपि विलीनः अस्य कोष्ठं प्राप्तः सुनिर्हरः स्रोतसां स्यात् मृदुत्वं च मृतस्य अनुलोमतः। तो उसके वजह से क्या होता है, केशु यानी स्रोतसों में जो कफ है और वो कैसा है, तो ग्रथित है, और सिर्फ ग्रथित नहीं है तो वो आगे क्या कहते हैं, सुलीनः विलीनः अपि, जो बहुत सुलीन है यानी अतिशयेन श्रेष्ठो अंतर्भूतः, जो नीचे उन्होंने दिया है वो इतना डीपली रूटेड और इतना चिपक के बैठा है, ऐसा वाला जो कफ है उसको वो क्या करता है, कोष्ठम प्राप्तः सुनिर्हरः। ओके, और हेमाद्री ने जो देखा है सुलीना का मतलब उन्होंने बोला है कि स्रोतो भी एकताम गतः,
म्हणजे असं होतं की स्त्रोतस आणि कफ वेगवेगळे नाहीच आहेत, इतके ते एक रूप होता. याने स्त्रोतस और वो जो कफ होता है वो इतना इतने एक रूप हो जाते हैं कि आप बोल ही नहीं सकते कि कफ कहाँ है और स्त्रोतस कहाँ है. इसको हम बोलते हैं सुलीन. तो इतना लीन जो कफ हुआ है और वो उसके साथ साथ जो ग्रथित है उसको वो क्या करता है, विलयन करता है. ओके, उसका विलयन करता है. स्वेदस जो हमने ऊपर देखा, स्वेदस तु दोषम नहीं थी द्रवत्व, वो द्रवत्व को प्राप्त करता है और वो कहाँ पे चला जाता है, तो कोष्ठ में. और वो उसका स्वरूप कैसे होता है, सुनिर्भरः. ओके, प्रीवियस जो कंडीशन है ग्रथित होना और सुलीन होना, ये दुर्निर्भर है, ऐसे कफ को आप निकाल नहीं सकते. ओके, सो ये जब आप स्नेहन स्वेदन करते हो तो उससे वो क्या हो जाता है, सुनिर्भरः हो जाता है. वो इजीली बाहर निकालने के लिए इजी हो जाता है, यानी बाहर निकालने के लिए वो इजी हो जाता है. अगेन, ये किसका लक्षण है, तो कफ पक्व होने का लक्षण है, ये भी हमेशा याद रखो. क्योंकि आम दोष जो होता है वो कौन सा भी, वो निर्हरण के लिए इजी नहीं होता. तो जब यहाँ पर वाग्भट कहते हैं वो सुनिर्हर है, इसका ही मतलब कफ क्या हो रहा है, पक्व हो रहा है. इट इज अ क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ इट इज बिकमिंग पक्व. दोष पक्व होण्याचं हे लक्षण आहे कि वो सुनिर्हर है. ओके, उसके आगे और क्या होता है, स्त्रोतसाम स्यात् मृदुत्वांश. दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आणि दिस इज ऍक्च्युली यू कॅन से अपुनर्भव चिकित्से का जो एक स्टेप है वो ये है. ओके, क्योंकि कि रुक्ष लघु शीत प्रकार का हम अभूषित होते हैं और वहां पर जाके बात स्थान सेवन करके व्याधि उत्पन्न करता है. ओके, सो यहाँ पर जब हम स्नेहन स्वेदन करते हैं तो स्त्रोतसों को क्या हो जाता है, मृदुत्व आ जाता है. तो उसके वजह से वात को स्थान नहीं मिलता और चिकित्सा हो जाती है. सो ये जो हमने ऊपर फैक्टर देखा उरस था कि उर पर हमें काम करना है और वहां पर अपुनर्भव काम करने के लिए स्नेहन स्वेदन जरूरी होता है. सो एक्चुअली सिर्फ काही तरी जो हम जनरल यूज करते हैं, दशमलारिष्ट यूज किया, सिर्फ सोमा सब यूज किया, भृंग राजा सब यूज किया, ये अपुनर्भव चिकित्सा नहीं हो सकती. स्नेहन स्वेदन करना उर का इज एक्चुअली इन अ लॉन्गर टर्म क्या बोल सकते हैं आप उसे, अपुनर्भव चिकित्सा है. ओके, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, स्त्रोत से जो रुक्ष खर विशद हो रही है उनको वो मृदु करते जाता है. ओके, और लास्ट में जो होता है दैट इज इन दोनों के एज अ रिजल्ट हो जाता है, दैट इज मारुपस्य अनुलोमता. वात का जो है वो अनुलोमन होना शुरू हो जाता है. अगेन क्यों, क्योंकि स्त्रोत से रुक्ष नहीं रहते, वो मृदु हो जाते हैं तो वो कहीं पर अटकता नहीं. वात का जो अनवस्थित स्वभाव है वो कायम रहता है और वो घूमते रहता है, तो उसको अवरोध नहीं होता और अल्टीमेटली क्या होता है, वात का अनुलोमन होता है. सो दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट. और अगेन ये भी चीज जब आप आवरण देखोगे तो उसमें भी यही एक चीज चिकित्सा में कही गई है कि वात का अनुलोमन करना. ओके, जो वात आवृत्त होता है उसका अनुलोमन करना इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ चिकित्सा ऑफ आवरण. तो यहाँ पर वात का अनुलोमन करना भी चिकित्सा के लिए इम्पोर्टेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ आवरण संप्राप्ति. ओके, अब उसके बाद जो आता है, अगेन इसके बाद वमन देने के लिए कहा है. तो उसके पहले अगेन जैसे हम उत्क्लेशक आहार विहार करने के लिए बोलते हैं, वही उन्होंने बोला है, स्विन्नम च भोजयेत् अन्नम स्निग्धम अनुपजय हि रसैः दद्युत्तरेण वा दद्यात् ततो अस्मै वमनम मृदु विशेषात् कासवमतु हृद्ग्रह स्वरसादिने पिप्पली सैन्धव क्षौद्र युक्तम वाता विरोधियत. ठीक है, सो अगेन जो आहार है वो उत्क्लेश करने वाला है, सभी को वो क्लियर ही है. अन्न जो है वो कैसा भोजन करना चाहिए, तो स्निग्धम अनुपजय ही रसेगी, स्निग्धम अन्नम, तो स्निग्ध गुणात्मक आहार करना चाहिए. और किसके साथ, अनुपरस या फिर दध्युत्तर यानी दधि मंड जो है. और दधि मंड की आपको सभी को गुण पता होगा, स्त्रोत शोधी विष्टम्भजित वगैरह ये सभी चीजें हैं. तो उसके ध्यान में रखकर भी उन्होंने दधि का मंड जो है वो बोला है, वो स्त्रोत शोधन करता है वगैरह. तो उसके लिए दधि मंड या फिर अनुपम अवसरस के साथ स्निग्ध आहार करने के लिए बोला है. और दद्यात् ततः, और उसके बाद, ततः यानी उसके बाद, अस्मै हि वमनम मृदु, वो भी कैसा होना चाहिए, तो मृदु होना चाहिए. अगेन हमें चिकित्सा पता है, वात की चिकित्सा क्या बोलते हैं उसे, स्नेह और स्वेद के बाद जो चिकित्सा बोले संशोधनम मृदु, यही वाग्भट ने कहा है. तो वात में अफकोर्स हमेशा शोधन जो है वो मृदु शोधन ही अपेक्षित होता है. सो मृदु वमन देना चाहिए. नेक्स्ट लाइन इज मोर इम्पोर्टेंट, विशेषात कासवमतु रुद्रह स्वरसादि. विशेषात यानी स्पेसिफिकली, यानी इसका मतलब यह है कि श्वास कास में वमन तो देना ही है, लेकिन स्पेसिफिकली किसमें देना है, कासवमतु रुद्रह और स्वरसाद हो तो. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस कंडीशन में ही देना है, ये हमेशा याद रखो. विशेषत वर्ड से ये क्लियर हो जाता है कि हिक्का श्वास के पेशेंट में वमन देना है,
लेकिन अगर किसी रुग्ण में कास, चर्दी, रुद्रग्रह और स्वरसालीय लक्षण हो तो जानबूझकर वहां पे वोमन करो ही करो। ओके, सो अगेन अगर आप ये सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स देखोगे, कास, चर्दी, रुद्रग्रह और स्वरसा, दे ऑल इंडिकेट अवरोध। ओके, अवरोध के वजह से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो सभी ये लक्षण है। ओके, सो ये अवरोध नष्ट करने की चिकित्सा जो है वो मृदुवमन है। ओके, सो वो मृदुवमन अगेन ये क्यों होता है ये आगे अपदेश से वो आगे भी कहने वाले हैं तो वहां पर हम देखेंगे। सो अभी के लिए याद रखो कि अवरोध नष्ट करने के लिए हम यहाँ पर मृदुवमन दे रहे हैं, लेकिन अगेन वमन के वजह से वात प्रकोप ना हो इसलिए स्पेसिफिकली मृदु। ओके, उसमें भी वो ऐड कर देते हैं कुछ द्रव्य, दैट इज पिप्पलिक संदवक शौद्र युक्तम वात अविरोधी। ओके, अभी मैंने यहाँ पर जैसे कहा वात अविरोधी, वात का विरोध ना हो ये ध्यान में रखकर पिंपली, सैंधव और क्षौद्र इनसे युक्त वमन उनको देना है और वो भी मृदु देना है। ओके, सो अगेन अगर आप देखोगे पिंपली सैंधव और पिप्पली सैंधव और क्षौद्र ये जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन जो वात कफ को बैलेंस आउट कर देता है। ओके, सो ये तीन जब मिक्स होते हैं तो वात और कफ ये तीनों के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वैद्य जो यहाँ पर है उन्होंने वमन किया होंगे, देखे होंगे कि बहुत बार कैसे होता है वमन जब हम पेशेंट में करते हैं तो स्टैन कफ वगैरह बहुत ज्यादा होता है, वो छूटता नहीं है। इस टाइम में हम जब बीच बीच में यष्टि काढ़ा होता है उसके बाद हम जो करते हैं वो पिंपली और क्षौद्र जो है वो मिक्स करके उसको चाटन देते हैं, अवलेहन स्वरूप में देते हैं, तो उससे ये क्या हो जाता है ये बहुत बार वेग नहीं आते वमन के ड्यू टू स्टैन कफ। तो ये पिंपली और क्षौद्र जब आप बीच बीच में देते हो यष्टिकवात देने के बीच बीच में तो ये कफ जो स्टैन होता है वो छूटना ईजी हो जाता है। एंड इवन एक्चुअली वमन जो होता है वो अगेन वात के वजह से भी ठीक नहीं होता, उसका आवरण होने के वजह से, तो वहां पर भी हम हिंगवाष्टक दे दिया, भास्कर लवण दे दिया, तो ये जो लवण प्रधान कल्प है वो हम देते हैं वमन में अगर वेग नहीं आ रहे हो। अगर वो वात के वजह से नहीं आ रहे तो ये सैंधव प्रधान जो योग होते हैं वो हम देते हैं, और कफ के वजह से वेग नहीं आ रहे हो तो पिंपली और मध देते हैं। ओके, शहद देते हैं। सो उन तीनों को यहाँ पर उन्होंने मिक्स कर दिया है, पिंपली, सैंधव और क्षौद्र। सो उससे होता यह है कि कफ और वात जो है वो इजिली एक्सपेल आउट हो जाता है। सो वमन जो होता है वो अच्छा होता है, और स्त्यानत्व या फिर पिच्छिलत्व जो हमने ऊपर देखा, अगर आपने हेतु भी देखे तो अभिषंधि हेतु भी चरक ने वहां पर कहा है, और हेतु अभिषंधि होने के वजह से कास और श्वास में कफ का स्वरूप भी कैसे होता है तो अभिषंधि होता है। ओके, सो ऐसे कफ को छुड़ाने के लिए ये जरूरी होता है। सो दैट्स व्हाई पिप्पली प्लस सैंधव प्लस क्षौद्र ये वात और कफ दोनों को बैलेंस आउट कर देता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर वो जानबूझकर यूज करने के लिए कहा है। ओके, सो ये यहाँ पर उसका रोल है। अगेन ऐसा है कि आपने अभी का जो एक कंटेक्स्ट है कोविड का, ये भी आपको पता होगा कि बहुत सारे वैद्यों ने वमन दिए हैं कोविड के पेशेंट्स को, और आपने ये सुना होगा, देखा भी होगा व्हाट्सएप पर केसेस बहुत सारे अभी शेयर हुए कि जो वमन है वमन के बाद O2 का सेचुरेशन बढ़ा। ओके, उसका रीजन ही ये है, यानी आगे जाकर हम जो देखेंगे कि अवरोध जो है प्राण को वो कफ के वजह से जब छूट जाता है तो प्राण वायु का अनुलोमन हो जाता है, वो इजीली घूमने लगता है। ओके, सो यही कारण है उसका, यानी जो आपने देखा होगा कि उसको सिर्फ सैंधव जल और पानी मिक्स करके उसको वमन दिया और O2 लेवल जो अराउंड 80 थी वो 90 के अबव आ गई, उसका रीजन ये होता है। ये अवरोध जो होता है ना वो जब नष्ट क्लियर आउट हो जाता है तो प्राणवायु का अनुलोमन होने के वजह से वहन उसका प्राकृत हो जाता है। सो ते आवर्जून इथं लक्षात ठेवा, म्हणजे आता कोविड मध्ये हे वमनाचं कार्यकर्तृत्व जे आहे हे ह्या दृष्टीने आहे, कफ का आवरण जो है वो नष्ट करना, म्हणून याला उपद्रव। आता ऑफकोर्स बहुत सारे पेशंट जो होते हैं वो अनर्ह होते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी आगे जाकर ऑप्शन दिया है, दैट इज लेह कल्पना। ओके, तो वहां पर भी लेह कल्पना जो है वो मार्ग शुद्ध्यर्थम ऐसे कहा है, तो लेह कल्पना और वमन दोनों भी वही काम करते हैं, मार्ग का शोधन करते हैं, प्राणवायु का अनुलोमन और उसको अनवस्थित कर देते हैं अगेन इनटू इट्स ओन स्वभाव। तो होता यह है कि अगर वमन देना अगेन ऑलवेज द बेटर, लेकिन अगर वो वमन के लिए अनर्ह है तो आप लेह कल्पना की तरफ जा सकते हो। ओके, दोनों का काम वही होता है, लेकिन वमन का जितना काम होगा उतना ऑफकोर्स लेह से नहीं होने वाला, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। सो इथून पुढे लेटेड बी कोविड हो या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स, यानी
वो बहुत सारे आने ही वाले हैं, यानी अभी कोविड जाएगा और उसके बाद कोई नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा। सो इन सब में फ्लू लाइक सिम्टम्स ये सभी जो होते हैं, जिसमें कफवात संधिपात जैसे लक्षण होते हैं, उसमें अगर आपको ऐसे लगे कि अवरोध बहुत है, उसके वजह से O2 सेचुरेशन कम है, तो सिर्फ इवन सैंधव और पानी के पानी जो है उसको 2-4 ग्लास एकदम से जल्दी जल्दी पीकर उसका वमन जब करते हो, इट कैन लीड टू O2 सेचुरेशन जो है वो नॉर्मल कर देगा। ओके, ये एज अ प्रैक्टिकल चीज है, ये सब ध्यान रखना जरूरी है। ओके, सो है ये जो है वो वमन का वहां पर कार्य है। तो उसकी फलश्रुति वो आगे देते कि उससे क्या होता है, निरुते सुखम आपनोति न सकफे दुष्ट विग्रह स्रोत सुष्ट विशुद्धेशु चरति अविहतो अनिलः। अभी जो हम बोल रहे थे वही यहाँ पर भागवत ने बोल दिया, निरुते कफे दुष्ट विग्रह। तो दुष्ट विग्रह का मतलब दुष्टो विग्रह शरीरम, यानी दुष्ट होकर जो शरीर में चिपका हुआ है ऐसे कफ का निर्हरण हो जाता है और क्या होता है, सुखम प्राप्नोति, यानी सुख प्राप्त होता है। स्त्रोतशु च विशुद्धेशु चरति अविहतो अनिलः, स्त्रोतस क्या हो जाते हैं, विशुद्ध हो जाते हैं, और सबसे लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से ही ये लक्षण सीवियर होते हैं और दुर्जय होते हैं, दैट इज चरति अविहतो अनिलः। वात जो होता है वो अविहत होकर उसका चरण फिर से शुरू हो जाता है। अतः पुनः इतने लिखने वाले याद रखने वाली चीज जो है वो सुखम प्राप्त, मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे भी ये डाउट आया था, अगर आपको नहीं आया तो वो भी टीकाकार जैसे मैं ही उत्पन्न करके बोल देता हूँ। सुखम प्राप्नोति का मतलब हम सबको पता है, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च, हमें सभी को पता है कि सुख होता है तो उसका मतलब आरोग्य होता है, दुख का मतलब विकार होता है। सो यहाँ पर जब वाग्भट बोलते हैं कि ये वमन होने के बाद कफ निकल जाता है, वात का अनुलम होता है, स्रोत शोधन हो जाता है और सुख प्राप्त होता है, सो विल इट बी एंड ऑफ अ चिकित्सा, कि ये चिकित्सा की लास्ट स्टेप हो सकती है, क्योंकि ओके कि वमन दे दिया अब इसको चिकित्सा की जरूरत नहीं है, ऐसे हो सकता है क्या? सो इसका आंसर जो है तो एक्चुअली अगर बोले जाए तो यस, क्योंकि ऐसा है कि चरक में अगर आप देखोगे तो अगेन दो प्रकार के रुग्ण होते हैं, कफ बहुल और वात बहुल, बलवान और अबलवान। ओके, तो जो कफ प्रधान संप्राप्ति है उसमें वमन के बाद कफ निकल गया, वात का अनुलोमन और ये सभी चीजें हो जाने के बाद सुख प्राप्ति होती है, इसका ही मतलब जिस वजह से संप्राप्ति हो रही है, आवरण हो या फिर वात का प्रतिलोम गति हो, इन सबको आपने एक्चुअली बाहर निकाल दिया है, सो इसी के वजह से सुख प्राप्ति हो रही है। तो कफ बहुल जो अवस्था है ना, उसके वजह से संप्राप्ति अगर हो रही हो और उसमें वमन करने के बाद ये सब चीजें हो रही हो, देन यस इट इज एंड ऑफ चिकित्सा। इसके बाद सिर्फ अगर आपके पास कुछ चीजें बची होंगी, सो दैट इज अ यूजिंग ऑफ रसायन। ओके, सो शोधन करने के बाद शरीर को, उर को, हृदय, फुफ्फुस, इनको बल देने वाली चिकित्सा करना, यही हमारे हाथ में होता है। इसके बाद इंटरनल मेडिकेशंस देने की जरूरत नहीं है इफ इट इज अ कफ बहुल अवस्था। ये मैं अगेन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके आगे जो अगेन जिन्होंने चिकित्सा पहले पढ़ी होगी उनको भी ये पता होगा, आगे वाले जो कंडीशंस है ना वो सभी अगर आप देखो ना, इफ यानी अगर ऐसा हो तो ऐसे ही कहकर आगे वाली चिकित्सा आते हैं, यानी इसमें आध्मान उदावर्त हो तो ये दो, इसमें इसके बाद भी दोष लीन हो तो धूमपान दो, अगर इससे भी शमन ना हो तो लेह दो। सो इसके आगे एक्चुअली जो चिकित्सा आती है ना वो अगर ना हो तो, या फिर इसके साथ ये अनुबंध हो तो, ऐसी अवस्थिक चिकित्सा आती है। सो अगर कफ बहुल अवस्था है और वमन के बाद ये सब चीजें अचीव हो रही हैं, देन यस इट इज एंड ऑफ चिकित्सा, क्योंकि उसमें सुख प्राप्ति, दैट इज आरोग्य प्राप्ति होती है, सिर्फ रसायन बाकी रह जाता है। ओके, सो लेकिन मैंने जैसे कहा ये इट विल बी एप्लीकेबल टू कफ प्रधान, ओके, नॉट फॉर वात प्रधान, कारण तिथे वाताची चिकित्सा करना, यानी शेष दोष जो वात रह जाता है उसकी चिकित्सा करना जरूरी होता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो थिंग टू बी रिमेम्बर्ड हमेशा। अब और मैंने जैसे कहा, अब इसके बाद ना वुमन के बाद जो चिकित्सा आती है वो सिर्फ इफ ऐसे आती है, यानी इफ देयर इज ध्मान उदावर्त तमक। ओके, सो ध्मान उदावर्त तमके मातुलुंगाम्लवेत सही हिंगु पीलु विडैर युक्तम अन्नम स्यात् अनुलोमनम ससैंधवम फलाम्लम वा कोशम दद्यात् विरेचनम। ओके, अगेन यहाँ पर याद रखो हिक्का श्वास में वमन और विरेचन दोनों करना जरूरी नहीं है,
जरूरी करना कौन सा कर्म है, दैट इज वमन, नॉट विरेचन। विरेचन के लिए या फिर अनुलोमन के लिए अवस्था है, इफ पेशेंट प्रेजेंट्स यू विथ आध्वान उदावर्त एंड तमक, देन उसको उन्होंने अगेन दो ऑप्शन दिए हैं, मातुलुंग और आम्लवेतस जो है उसके साथ साथ हिंगू पीलू और विडलवन, इनसे युक्त अन्न दो जो अनुलोमन करने वाला हो, ओके। या फिर वा यानी उन्होंने विकल्प दिया, अगर इससे ना हो तो सैंधवम फलाम्लम व कोष्णम दद्यात् विरेचन, ओके, सैंधव और फलाम्ल के साथ विरेचन दो। तो उसमें अगेन एक चीज जस्ट क्लियर करने के लिए कि तमक का मतलब अगेन अरुणदत्त और हेमाद्री ने अलग अलग दिया है। अरुणदत्त जो बोलते हैं कि वो तमक यानी श्वास विशेष है, यानी जो हम तमक श्वास बोलते हैं वो है, और हेमाद्री जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि तमक का मतलब तमक श्वास नहीं है, इट इज तमक प्रवेशना, ओके। और हेमाद्री का जो वर्णन है वो ज्यादा योग्य इसलिए है क्योंकि अगर आप अगेन इफ यू सी चरक तो उसमें सिर्फ ध्वान और उदावर्त ही आता है अनुलोमन और विरेचन की कंडीशन में। और दूसरी चीज, तमक ये अवस्था नहीं हो सकती अगर आप उसको तमक श्वास पकड़ो, तमक श्वास इज व्याधि, ओके। यहाँ पर हम अवस्था की चिकित्सा देख रहे हैं, आध्वान उदावर्त और तमक। सो तमक श्वास की चिकित्सा एज अ व्याधि अलग होगी, और यहाँ पर तमक का मतलब इसीलिए तमक प्रवेश लेना वो ज्यादा योग्य होता है। आध्वान उदावर्त और तमक ये अवस्था अगर श्वासों और हिक्का में होगी तो अनुलोमन आहार या फिर विरेचन देना चाहिए, ओके। अगेन यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस क्यों दिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये विकल्प संप्राप्ति है, सभी संप्राप्ति नहीं सॉरी विकल्प तंत्र युक्ति है, ओके। विकल्प तंत्र युक्ति का मतलब ये करो या फिर ये करो, ओके। फिर विकल्प क्यों दिया ये भी समझना इंपॉर्टेंट होता है कि उन्होंने अनुलोमन अन्न का यूज करने के लिए बोला या फिर विरेचन का यूज करने के लिए बोला। सो दोनों ऑप्शंस अगेन इसलिए दिए क्योंकि अगेन आई विल रेफर टू जो लास्ट सूत्र हम हमेशा पढ़ते हैं कि ब्रूहण करना है, कर्षण नहीं करना है, ओके। सो प्रोबेबली हो ये हो सकता है कि विरेचन देने के वजह से ज्यादा दोष हरण होने के वजह से कर्षण हो सकता है, इसीलिए वाग्भट और चरक ये दोनों ये बोलते हैं कि अनुलोमन अन्न का आप उपयोग ज्यादा करो, ओके। क्योंकि अगेन क्योंकि कैसे होता है कि अन्न जो है वो रस से काम करता है तो वो अनुलोमन करेगा लेकिन वो कर्षण नहीं करेगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप यू गो फॉर अनुलोमन अन्न रादर देन विरेचन, कि ताकि उससे कर्षण ना हो, लेकिन विबंध बहुत ज्यादा हो, अगेन शायद मैं ये बोलना भूल गया, चरक ने जो हेतु सेवन में ना विविध ही विबंध ही ऐसा एक विशेष हेतु बोला है, यानी लास्ट में विविध प्रकार के विबंधकारी आहार विहार जो होते हैं वो भी श्वास और हिक्का के लिए रीजन होते हैं, हेतु होते हैं। सो ऐसे कंडीशन में ना सिर्फ अनुलोमन अन्न देने से वात का अनुलोमन नहीं होता, सो आपको विरेचन देना पड़ता है क्योंकि दोष बल ज्यादा होता है, ओके। सो दोष बल अगर ज्यादा हो, विबंध ज्यादा हो, तो उसको तोड़ने के लिए विरेचन देना बेटर रहता है रादर देन गोइंग फॉर अनुलोमन अन्न, ओके। सो अनुलोमन अन्न फ्रॉम मृदुशोधन पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट, एंड अगर विबंध ज्यादा हो, आम प्रदोष आना हो, इनके वजह से अगर श्वास और हिक्का उत्पन्न हो तो वहां पर विरेचन देना इम्पॉर्टेंट होता है। आता पुनः प्रैक्टिकली विचार करताना विरेचन द्यायचं असेल तर ऑफकोर्स सुख विरेचन करने वाला त्रिवृत्त होता है, वही सबसे बेटर होता है, त्रिवृत्त लेह दे दिया, सो इट इज ऑलवेज अ गुड चॉइस त्रिवृत्त लेह देना हिक्का श्वास के पेशेंट में। और उसके साथ साथ और जो एक यूज किया जाता है प्रैक्टिकली, उसके फलश्रुति में भी श्वास है, दैट इज कल्याणक गुण, ओके। सो ये दो चीजें हैं वो जो सुख से विरेचन करेंगे लेकिन वो कर्षण नहीं करेंगे, ऐसे विरेचन के ये जो दो कल्प हैं, दैट इज कल्याणक गुड़ एंड त्रिवृत्त लेह, वो आप यूज कर सकते हो फॉर अ विरेचन, ओके। सो अगेन इच्छा भेदी एंड तुमसे अभयादि मोदक ये सभी थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो रुक्ष पड़ते हैं, ज्यादा शोधन कर देते हैं, सो बेटर है कि वो आप यूज ना करो, ओके, क्योंकि वो रुक्ष वगैरह भी हो जाते हैं। सो इसीलिए कल्याणक गुड़ एंड त्रिवृत्त लेह आर प्रैक्टिकली सेफ और ज्यादा कर्षण ना करने वाले लेकिन शोधन करने वाले, ओके, ऐसे कल्प है वो आप विरेचन के लिए यूज कर सकते हो। और अगेन सबसे इजी वो काय म्हणत आला मणुक्यांचा कोळ आपण जो वापरतो, ओके, जो ब्लैक रेजिन्स होते हैं मुनक्के होते हैं उनका पानी जो होता है वो भी रोज देना, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अनुलोमन, ओके। यानी द्राक्षा जो है ब्लैक यानी काले मुनक्के जो होते हैं वो रोज खाने के वजह से भी यही फायदा होता है, वो धीरे धीरे अनुलोमन करते जाता है, ओके। सो दैट इज ऑल्सो
एक चीज जो आप यूज कर सकते हो एज अ विरेचन, ओके, सो वो भी एक यूजफुल चीज है. यस, यहाँ पर हाँ, एक चीज यहाँ पर अगेन याद रखो, शिक्का और श्वास ये जो है ना, ये निरुह अनर्ह है. ओके, ही गोष्ट लक्षात ठेव, आवर्जून ठेवा. अगर आप अनास्थाप्य अननुवास्य की अगर लिस्ट देखोगे उसमें हिक्का श्वास आ जाता है. सो इसीलिए श्वास और हिक्का में वमन विरेचन का बोला है, उसके कल्प भी दिए हैं, लेकिन निरुह बस्ती वगैरह इनका निर्देश नहीं आता, ये याद रखो, क्योंकि वो अनास्थाप्य है, क्योंकि उनसे वेग बढ़ जाता है वगैरह, वो कारण चरक ने दिए हैं, वो आप देख सकते हो कल्पस्थान में. सो बस्ती इज नॉट सेट, इवन दो कि हमें यहाँ पर वाते की चिकित्सा करना उन्होंने ज्यादा बोला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि निरुह बस्ती दो. उसका रीजन ही है कि श्वास जो है वो निरुह अनर्ह है, ही गोष्ट आवर्जुन लक्षात ठेवा. प्रॉब्लम क्या हो तो जब हम प्रैक्टिस को बैठते हैं तो, और वात जब होता है तो हमारे सामने हमेशा जो आ जाता है इट इज ऑलवेज अ निरुह बस्ती. ओके, सो वो भूलना नहीं चाहिए कि आप उसको अनुलोमन दे सकते हो, विरेचन दे सकते हो, वमन दे सकते हो, लेकिन ये अनर्ह है, ही गोष्ट आवर्जुन लक्षात ठेवा चिकित्सा जब आप करोगे तो. ओके, उसके बाद उसकी रीजन मैंने जैसे कहा कि ये अपदेश तंत्र युक्ति होती है. ओके, जब आप कोई पहले चिकित्सा सिद्धांत बोलते हो या फिर प्रयोजन बोलते हो और उसके बाद उसका जब रीजन दिया जाता है आगे वाले सूत्र में, उसे हम बोलते हैं अपदेश तंत्र युक्ति. ओके, सो ये वमन और विरेचन क्यों करना है, ये उन्होंने करना है ये पहले बोल दिया और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये क्यों करना है. ओके, सो इसका रीजन इसमें आता है. एते ही कफ संरुद्ध गति प्राण प्रकोप जाहा तस्मात तन मार्ग शुद्ध्यर्थम ऊर्ध्वम शुद्ध्यर्थम ऊर्ध्व अध शोधनम हितम उदीर्यते भ्रुषतरम मार्ग रोदात भज्जलम यथा तथा अनिलस्तस्य मार्गम अस्माद विशोधे. क्या हो जाता है, एते ही का मतलब ये जो हमने ऊपर लक्षण देखे ना, आध्वान उदावर्त तमक या फिर विशेषात कास भवतु रुद्रह स्वर साधि, ये सभी जो लक्षण है, एते ही ये सभी लक्षण है वो किस वजह से आते हैं, कफ संरुद्ध गति प्राण प्रकोप. ओके, कफावृत्त प्राण के वजह से, कफ के वजह से जब प्राण की गति अवरुद्ध हो जाती है उसके वजह से ये आध्वान उदावर्त तमक उसके साथ साथ कास छर्दी ये लक्षण उत्पन्न होते हैं. तस्मात तन मार्ग शुद्ध्यर्थम, इसीलिए उनका मार्ग शोधन करने के लिए ऊर्ध्व और अध शोधन करना है, लेकिन इसमें निरुह और अनुवासन नहीं आएगा. और उसके वजह से क्या हो जाता है, उदीर्यते भ्रुषतरम मार्ग रोदात वह जलम यथा तथा अनिलस्तस्य मार्गम अस्मात् विशोधे. वात के गति को जब अवरोध हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, उदीर्यते भ्रुषतरम मार्ग रोधात वह जलम. जैसे आपको पता होगा कि पानी को जब पानी के बहाव को जब आप रोकते हो तो वो फ्लड्स लाता है. ओके, तो पानी जो है वो उसका मार्ग छोड़कर बाकी बस्तियों में चला जाता है और फ्लड्स आते हैं. सेम हैपन्स विद वात. ओके, तो जब वात की गति को अवरोध होता है तो वो उदीर्यते भ्रुषतरम, उसका ज्यादा भ्रुष यानी बहुत ज्यादा उदीरण हो जाता है और वो क्या होता है, बाकी मार्गों में वो बहने लगता है. इसीलिए हमें ऊर्ध्व और अध शोधन करके वात का अनुलोमन करना चाहिए. ओके, सो अपदेश का मतलब यही होता है, प्रयोजनस्य हेतु वचनम, यानी जो आपने आप ऊपर प्रयोजन बोल रहे हो उसका हेतु बोलना होता है अपदेश. वही उन्होंने यहाँ पर किया है, पहले वमन विरेचन ये प्रयोजन हो गया कि ये करना है और उसके वो क्यों करना है, तो इस कारण के वजह से करना है. ओके, और ये मैंने कहा कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द O2 सैचुरेशन इन कोविड पेशेंट्स आफ्टर वमन. ओके, सो हे त्याचं कारण आहे कि प्राणाची गति जी आहे वो शुद्ध होने के बाद वो अनुलोमन होकर वो प्राकृत हो जाती है और O2 सैचुरेशन वगैरह बढ़ता है. ओके, सो ये उसकी फलश्रुति हो गई. अब उसके बाद जो आता है, अगेन मैंने जैसे कहा, इसके बाद जो आता है वो सिर्फ इफ्स एंड बट्स होता है कि ओके, वमन विरेचन कर दिया, फिर भी अगर इफ इट डजंट रिवर्स. ओके, अशांत कृत संशुद्धे धूमैर्लीनम वलम करत, यानी अशांत यानी कृत संशुद्धे अशांत यानी शोधन करके भी अगर शांति ना हो तो धूमय ही लीनम मलम भरे. तो उसका रीजन भी उन्होंने वहीं पर दे दिया कि शोधन करने के बाद भी शांति नहीं हो सकती तो वो किस वजह से होती है, लीनम मलम, तो लीनम मल के वजह से होती है इस, और उनका शमन फिर किससे करना चाहिए, धूम. एक्चुअली अगर आप अगेन देखोगे वमन के फल जो कार्य कारण भाव उन्होंने दिया है वहां पर उन्होंने वर्ड पहले ही यूज किया है सुलीना,
यानी सुलीना अगर कफ हो तो वो भी द्रवीभूत होकर कोष्ठ में चला जाता है, लेकिन उससे भी अगर ज्यादा लीन हो तो वो वमन से नहीं बाहर निकलता और लक्षण फिर भी रहते हैं। ऐसे जो मल लीन मल है उनका शमन करना किससे उन्होंने बोला है, दैट इज धूम। ओके, अगेन लीन का मतलब वही है, सूक्ष्म स्त्रोत श्रेष्ठ। ओके, लेकिन वमन जो सुलीन कफ को भी निकालता है तो उससे भी अगर लीन कोई कफ हो तो वो वहां पर चिपका रहता है और निकलता नहीं है, उनका शमन करने के लिए धूमपान कहा। ओके, अगेन ऐसा है कि धूमपान की जो इंडिकेशंस है यहाँ पर वो दोनों चीजें हैं। यहाँ पर कैसे कैसे हो गया कि चरक की बहुत सारी चीजों को नाति संक्षेप को विस्तरम करने के चीज में वाग्भट की थोड़ी थोड़ी चीजें मिस हो जाती हैं, क्योंकि चरक बोलता है कि शेष दोष जो होते हैं उनमें एक चिकित्सा करो। उसमें चक्रपाणि एक चीज इंपॉर्टेंट बोल देते हैं कि दोष अगर अल्प हो और वमन अर्घ ना हो तो भी आप धूमपान यूज कर सकते। यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि हमेशा सभी को, अगेन इट इज फॉर स्टूडेंट्स, कि शोधन अर्ह कौन होते हैं, सो उसके लिए तीन क्राइटेरिया हमें होते हमेशा होते हैं कि शोधन किनका करना चाहिए। एक तो दोष बहु होने चाहिए, दैट इज बहु दोष होने चाहिए। उसके बाद हम बोलते हैं कि वो उपस्थित होने चाहिए। ओके, उपस्थित यानी उसका मतलब क्या होता है, वो कोष्ठ में उपस्थित होने चाहिए, दैट इज इन आमाशय या फिर पक्वाशय, ताकि हम यथासन्नम उसका शोधन कर सके, यानी नजदीक वाले मार्ग से उनका शोधन कर सके। और लास्ट क्राइटेरिया होता है शोधन के लिए हमेशा, दैट इज उत्कृष्ट। वो दोष कैसे होने चाहिए, सिर्फ बहु और उपस्थित होने से काम नहीं चलेगा, लास्ट इट शुड बी उत्कृष्ट ऑल्सो। ओके, जब ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी शोधन को हमें करना चाहिए, दैट इज बहुदोष, उपस्थित दोष और उत्कृष्ट दोष। ये तीन चीजें नहीं होंगी तो हम उसको हम अनर्ह बोल देते हैं। ओके, इसके ऑपोजिट हो लेकिन आपको शमन करना हो, देन यू कैन गो फॉर अदर थिंग्स, जैसे हमने देखा कि लेह कल्पना यूज की, धूमपान यूज किया। ओके, तो यहाँ पर चक्रपाणि क्या बोलते हैं कि दोष अगर अल्प हो और फिर वो स्थान पिछिल हो तो आप वमन के लिए मत जाओ, यू गो फॉर धूम। ओके, तो धूमपान के लिए वो भी एक अवस्था आ जाती है जो चक्रपाणि स्पेसिफिकली बोलते हैं, दैट इज अल्प दोष। ओके, और श्लिष्ट लीन ये कंडीशन तो धूम के लिए होंगी ही। ओके, तो ज्यादा मुख में और कंठ में जब ये लीनत्व और स्त्यानत्व ज्यादा होता है तो हम धूमपान यूज करते हैं, उसके द्रव्य वगैरह हम अभी आगे देखेंगे। ओके, हरिद्रा पत्रम एरंड मूलम लाक्षा मनशिला सदैव दारू आलम मांसिम पिश्वा वर्तिम प्रकल्पय ताम घृताक्ताम पिबे धूमम यवान वा घृत संयुता। ये पहला योग, यानी हरिद्रा पत्र, एरंड मूल, लाक्षा मनशिला, आल का मतलब हड़ताल, उसके साथ साथ देवदारू मांसी, इनकी वर्ती करने के लिए उन्होंने बोला है पेषण करके, और वो घृताक्त करके उसका धूम देना है, या फिर उन्होंने एक ऑप्शन एक टोटली अलग से दे दिया, दैट इज यवान वा घृत संयुता, यानी ये एक अलग योग और यव घृत के साथ उसका धूपन देना, ये टोटली अलग एक योग धूमपान का हो गया। मधुच्छिष्टम सर्जरसम घृतम वा गुरुवा गुरु चंदनम वा तथा शुंगम बालान वा स्नाव वा गवा। अब ये अगेन अलग अलग एक एक योग आता है। मधुच्छिष्ट यानी सभी को पता है मेण ज्याला आपण म्हणतो काय म्हणायचं वैक्स। ओके, सो मधुच्छिष्ट है, सर्जरस है, घृतम। ओके, इनके साथ घृत या फिर गुरु वा अगुरु। ओके, यहां पर गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी गुरु अगुरु, यानी श्रेष्ठ वाला अगुरु जो है, अगुरु जो है वो घृत के साथ उसका धूमपान करना है। ओके, चंदनम वा, यानी चंदन इज अगेन एज अ सेपरेट द्रव्य, यानी या फिर चंदन का भी धूमपान करना है, तथा या फिर उसके जैसे ही। अब उसके बाद जो आता है ना वो प्राणी जो द्रव्य आते हैं, श्रृंग, बालान या फिर स्नायु। ओके, गाय के स्नायु, केश और शुंग जो है वो भी उनका धूमपान के लिए उपयोग कर सकते हो, या फिर वृक्ष गोधा कुरंगेण चर्म शुंग कुराणिवा। तो ये सभी वृक्ष यानी अश्वल जो बोलते हैं, गोधा घोरपड़ जो होते हैं वो, कुरंग और एण ये दोनों हरिण के प्रकार होते हैं, उनके चर्म, उनके श्रृंग और उनके खुर ये भी धूमपान के लिए एज अ प्राणी द्रव्य यूज किए जा सकते हैं। गुग्गुलुम्बा मनोवाम्बा। ओके, फिर गुग्गुलु एज अ सेपरेट, अगेन मनशिला एज अ सेपरेट, शाली निर्यास यानी शाली द्रव्य का निर्यास अगेन सेपरेट फॉर धूमपान। शल्लकिम गुग्गुलुम लोहम पद्मकम वा घृताप्लुतकम, ये एक योग, यानी शल्ल की जो निर्यास है, गुग्गुलु लोह, लोह यानी अगेन वी नो पर्याय ऑफ अगुरु,
तो अगुरु का पर्याय एज अ लोह और पद्म का ये घृताप्लुत करके इनका धूम्रपान कर सकते हो। तो इन सब में क्या है, आगे नहीं है ना, हाँ। सो ये बहुत सारे जब इतने पर्याय आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे शोधन आदि गण में वाग्भट बोलते हैं ना, वही क्राइटेरिया यहाँ पर हमेशा ऐसी चीजों में अप्लाई करो, दैट इज यथा लाभ यथा योग। ओके, यथा लाभ ही आपकी सोया है, इट इज अ कंफर्ट जोन फॉर अस, यानी यथा लाभ यानी इनमें से आपको जो लाभ हो, जो आप में आपके क्लिनिक में अवेलेबल है वो आप यूज करो, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड इज यथा योग विच इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी यथा लाभ जो है वो हमारा कंफर्ट है, यथा योग साइंस है, शास्त्र है। ओके, सो यथा योग शुड ऑलवेज बी फर्स्ट देन यथा लाभ, ये नहीं भी लग सकते। यानी यथा योग का मतलब होता है उस कंडीशन में यौगिक क्या है। ओके, तो उस अवस्था में यानी हिक्का और श्वास में अवस्था क्या है उसको देखकर कौन सा द्रव्य यूज करना है ये पहले डिसाइड होगा, और उन सभी द्रव्यों में लाभ आपके क्लिनिक में क्या अवेलेबल है ये डिसाइड करना। ये दोनों चीजें जब इतनी सारी द्रव्य आते हैं ना तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्राणी जो द्रव्य तो इंक्लूडिंग में बहुत सारे यूज नहीं करते, मैंने भी एक्चुअली यूज नहीं किया है, तो मैं एक्चुअली जो हमारे वनस्पति द्रव्य है वही धूम्रपान के लिए देता हूँ। जब वात प्रधान अवस्था होती है तो मैंने बहुत बार, यानी आपको पता होगा वो साइनस वगैरह जिनको होता है और उसके वजह से नासा नाह वगैरह के लक्षण होते हैं। ओके, और उसके साथ साथ फिर कास और श्वास के लक्षण होते हैं, सॉरी ऐसे कंडीशन में मैं बहुत बार वचा और यवानी ऐसा कॉम्बिनेशन करके धूम्रपान के लिए देता हूँ, उसका चूर्ण ही देता हूँ, वर्ती वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। जो हमारा तव्याला काय म्हणायचं असतं रे जितेंद्र किंवा आहे हिंदी मध्ये, म्हणजे मला आता माहित नाही हिंदी लोकांसाठी ते पाहिजे, तव्याला काय म्हणतो आपण, तवाच म्हणतात ना, हाँ। तो वो हम जो रोटी सेकते हैं वो काय तवा ही बोलते हो, मुझे मालूम नहीं, तो उस पर मैं चूर्ण डालकर उसको धूम्रपान करने के लिए बोलता हूँ। सो दैट इज प्रैक्टिकली यूजफुल, क्योंकि यवानी और वचा क्या कर देते हैं कि कफ और वात को दोनों के लिए अनुलोमन के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है, और वो दोनों सुगंधित द्रव्य है, तो वात का वहन करने के लिए और अवरोध नष्ट करने के लिए वो प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल हो जाता है। तो वचा और यवानी इनका एक धूम्रपान करने के लिए बोलता हूँ। उसके साथ साथ अगर वात प्राधान्य ज्यादा हो तो आप यष्टियान कंटकारी यूज कर सकते हो, दैट इज यष्टियान कंटकारी, क्योंकि वो वात का प्रकोप ज्यादा नहीं करेंगी, वात का शमन करेंगी। ओके, इसके साथ साथ सिर्फ अगुरु का धूम भी बहुत यूजफुल हो जाता है, तो वो भी है डायरेक्टली सिर्फ अगुरु दिया चूर्ण उसका धूम्रपान देने के लिए बोल दिया, ऐसे भी हो सकता है। और एक कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल जो इसमें यहाँ पर आ जाता है, दैट इज देवदार और मौसी, और उसमें थोड़ा बला ऐड कर दिया, तो ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन धूम्रपान में यूजफुल हो जाता है। सो ये चार पांच प्रैक्टिकली जो यूज होते हैं मैं यूज करता हूँ वो मैंने बोल दिया, क्योंकि दोनों भी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अत्ला इनमें सभी चीजें हम यूज करते नहीं है। ओके, सो ये परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो। सी कैसा है महाकषाय शोधन आदि इन सब में चरक वाग्भट यही बोलते हैं कुरियात उह्य स्वयं दिया। जब हम चिकित्सा करते हैं सिर्फ शास्त्र के सिद्धांत जो है वो हमें भूलने नहीं चाहिए, लेकिन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है वो स्वयं दिया हुई आपके खुद के बुद्धि का उहन करके आप यूज कर सकते हो। ओके, सो ये परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस है वो आप यूज कर सकते हो धूम्रपान के लिए। और धूम्रपान आपने दिनचर्या में भी पढ़ा होगा, वात कफज सर्व व्याधि जो है उन सब में धूम्रपान चलता है जो ऊर्ध्व चतुर्गत होते हैं। सो ऊर्ध्व चतुर्गत सभी वात कफज व्याधियों में आप ये धूम्रपान यूज कर सकते हो, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये नासा नाह टाइप वाले साइनस वाले पेशेंट्स और उनके वजह से श्वास का, इन सब में आप ये यूज करके देखो अकॉर्डिंग टू अवस्था, यानी आप इन सब में परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कर सकते हो। गुगुल ऐड कर दिया, या फिर बला ऐड कर दिया, या फिर शठी पुष्करमूल नहीं शठी ऐड कर दिया, सुरसा ऐड कर दिया, ये सब आप धूम्रपान में ऐड करके देखो। ओके, और हमेशा वर्ती करने की ही जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप धूम करने के लिए बोल सकते हो, और उसके रिजल्ट्स सीरियसली अच्छे आते हैं, जिसमें एक्सपेक्टोरेशन ज्यादा होते हैं, यानी कफो बहुल अवस्था होने की वजह से नासा से और अपने उर से स्टीवन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कंडीशन में हमेशा डेली धूम्रपान देना चाहिए, उससे रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं। सिर्फ इसमें एक ही चीज होती है, जैसे इंटरनल मेडिकेशन जब हम वृक्ष टाइप वाले यूज करते हैं, जैसे भारंगी पिंपली, ये जब कंटिन्यूअस यूज होते हैं, वैसे ही धूम्रपान जब कंटिन्यू यूज होता है ना तो ड्राइनेस आने लगता है, यानी बहुत बार कंटिन्यू कर देते हो तो फिर उल्टा रिजल्ट आ जाता है कि बहुत ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से नासा मार्ग जो है
हमारा मुखमार्ग जो है वो रुक्ष होने की वजह से अगेन ये चीज बढ़ सकती है, तो वहां तक नहीं जाना है। ओके सो ये फॉलोअप्स में अवस्था देखकर धूमपान जो है वो प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है, और जो मैंने अभी बोले हैं वो आप यूज करके देखो, वचा यवन इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। उसके बाद यष्टि, कंटकारी, देवदार, बलामाउसी, ये आप यूज करके देख सकते हो। गंधवान द्रव्यों का यूज ऑफकोर्स ज्यादा होता है, तो वो जो है वो धूमपान में बहुत यूजफुल होता है, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम माय। उसके बाद जो है हमने देखा, पहले ही देखा था कि स्वेदना इज अ स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट फॉर श्वास। ओके उसका इंपॉर्टेंस वहां पर ये यहाँ पर बोल देते हैं बिफोर गोइंग टू आहार विहार। ओके अवश्यम स्वेदनीयानाम अस्वेद्यानाम अपिक्षणम स्वेदयेत् सीताक्षीर सुखोष्ण स्नेह सेचनैः उत्कारिकोपनाहश्च स्वेदाध्यायोक्त भेषजैः ऊरक कंठं च मृदुभिः। ओके अवश्यम स्वेदनीयानाम अस्वेद्यानाम अपिक्षणम, अवश्यम स्वेदनीयानाम यानी स्वेदनीय जो है, स्वेदनार्ह जो है उनको तो स्वेदन करो ही, अस्वेद्यानाम अपिक्षणम यानी जो अस्वेद्य है उनको भी क्षणम यानी थोड़ा टाइम के लिए तो करो ही करो, 5 मिनट कर दिया, 6 मिनट कर दिया, 7 मिनट कर दिया, लेकिन स्वेदन जरूर करो। ओके फिर उसके लिए उन्होंने ऑप्शन भी दे दिए कि उनको अगर करना हो तो क्या करो, स्वेदयेत् सीताक्षीर सुखोष्ण स्नेह सेचनैः। जैसे हमने देखा वहां पर स्निग्ध स्वेद के लिए क्षीर का उपयोग, वैसे उन्होंने यहाँ पर बोला सीता यानी शर्करा क्षीर सुखोष्ण करके उसमें स्नेह डाल के उसका परिषेक करो। ओके तो यहाँ पर परिषेक टाइप वाला स्वेद जो है उन्होंने वो यूज करने के लिए बोला। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा सुश्रुत के भी रेफरेंसेस भागवत में है या नहीं मुझे भी याद नहीं, पित्तानुबंध जब होता है तो द्रव स्वेद यूज किया जाता है। ओके ये सुश्रुत ने कहा है, भागवत ने ये आता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वात के साथ साथ पित्त का अनुबंध हो तो द्रव स्वेद यूज किया जाता है। सो परिषेक इज टाइप ऑफ द्रव स्वेद। सो पित्तानुबंध जब होता है और अस्वेद्य रुग्ण जब होते हैं तो आप परिषेक कर सकते हो। ओके तो क्षीर उसमें शर्करा और थोड़ा स्नेह डालकर उर पर परिषेक किया। ओके ये हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया और दैट इज उत्कारिका उपनाह इष्ट। ओके उत्कारिका और उपनाह ये भी आप कर सकते हो। अगेन उत्कारिका उपनाह जो है वो टोटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वात के लिए ही यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये उत्कारिका उपनाह का फायदा ये होता है ना, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्वेदन करते रहते हैं, ये उनका फायदा होता है सबसे ज्यादा। यानी नाड़ी स्वेद वगैरह जब हम करते हैं तो 10 मिनट के लिए हमने जब तक गैस चालू है तब तक नाड़ी स्वेद किया, फिर बाद में बंद कर दिया, ऐसे हो जाता है। उत्कारिका उपनाह का क्या होता है ना, वो वहां पर मेडिसिन से रहते हैं जहां पर आप वो रख रहे हो, तो उससे क्या होता है ना, वो धीरे धीरे स्वेद जो है ना वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो काम करते रहता है। सो इस टाइप इसी के लिए उन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पर दिया, उत्कारिका और उपनाह। ओके तो जो नाड़ी स्वेद वगैरह सहन नहीं कर पाएंगे उनके लिए उत्कारिका उपनाह दो, लेकिन वैसे भी श्वास के लिए आप अगेन बाय चॉइस उत्कारिका उपनाह यूज कर सकते हो। ओके अगेन प्रैक्टिकली अगर आप कहो तो गोधूम पिष्टि हमारी जो होती है गेहूं का फ्लोर, व्हीट फ्लोर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा आपने सुना भी होगा कि श्वास और श्वास के रुग्णों में हम अतसी का लेप एक बहुत यूज करते हैं, तो ये जो गेहूं की पिष्टि होती है फ्लोर होता है उसमें अतसी, सैंधव, हरिद्रा, तिल, ये सब कॉम्बिनेशन करके अभी आप उत्कारिका और उपनाह कर सकते हो। ओके सो दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल थिंग। यानी उसमें तिल वगैरह क्यों ऐड करना है, क्योंकि वो स्निग्ध होते हैं तो वो कर्षण नहीं करेंगे। सैंधव और हरिद्रा किस लिए, अगेन सैंधव यूजफुल अगेन किस लिए, क्योंकि वो वात है। हरिद्रा क्यों, क्योंकि कफ का अनुबंध हमेशा रहता है तो वो भी बैलेंस आउट हो जाए, क्योंकि ऐसे ना हो कि क्योंकि गोधूम, अतसी, तिल ये सभी क्या है, स्निग्ध है, तो उससे कफ वृद्धि हो सकती है, तो वो बैलेंस आउट करने के लिए उसमें थोड़ी हरिद्रा, दारू हरिद्रा ये जब आप ऐड करते हो तो उससे कफक्षय होता है लेकिन ब्रूहण भी होता है। ओके सो ये कॉम्बिनेशन जो है ये आप यूज कर सकते हो फॉर उत्कारिकाण उपना। तो कैसे होता है इसके, जो अपन पीठ मोड़ून अपन जैसे करते ना, तो रोटी से पहले जो हम व्हीट फ्लोर में पानी मिक्स करके जो उसका कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो उसमें ही ये तिल, अतसी आप ऐड करके उसको गर्म करके उरक का स्वेदन कर सकते हो। ओके सो दैट इज ऑल्सो, या फिर वो बांध कर पूरे कपड़े में बांध कर वो चेस्ट पर रख सकते हो, उससे भी उपनाह जैसे यूजफुल होता है। क्योंकि अगेन मैंने जैसे कहा सिर्फ इतना, सिर्फ उत्कारिका उपनाह करो ये बोलकर चिकित्सा खत्म नहीं होगी, प्रैक्टिकली कुछ चीजें बोलना जरूरी होता है, क्योंकि हमें
उस टाइम में बहुत सारी चीजों का संभार होता था, हमारे पास नहीं होता, तो हमारे पास क्या होता है उसको यूज करके हमें ये करना पड़ता है। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको थोड़े प्रैक्टिकल द्रव्य जो है वो बोल सकूं, क्योंकि आप पेशेंट्स को बोल सको। अगेन मैंने जैसे कहा उत्तारिका उपनाह हमें देने की भी जरूरत नहीं है, ये सभी मैंने अभी जो चीजें बोली वो पेशेंट के घर में भी होती हैं। सो हॉट वाटर बैग भी यूज करने के लिए बोल सकते हो, और अगर आपको लगे कि उत्तारिका उपनाह बेटर रहेगा तो ये चीज भी आप पेशेंट को बोल सकते हो कि ये सब चीजें मिक्स करो और उसका उरक पर स्वेदन करो। ओके, सो यह गोष्टी प्रैक्टिकली यूजफुल होता है। ओके, उरक कंठम च मृदुभिः, तो स्थान कौन सा रहेगा हमेशा, दैट इज उर और कंठ, एंड अगेन मृदुभिः, तो मृदुभिः भेषजैः, तो मृदु भेषज जो है जो स्वेदाध्याय में बोले हैं वो यूज करने के लिए बोला है। शिग्रु या फिर जैसे अर्क, ये तीक्ष्ण जो भेषज है वो यूज नहीं करना है, ये हमें समझना है, मृदु भेषज यूज करना है स्वेदन के लिए भी। ओके, सामे तु आम विधिम चरेत, अब क्या हो गया था जैसे मैंने ऊपर कहा, ओके, सामे तो आम विधिम चरित, यानी क्या हो जाता है कि मैंने ऊपर जैसे कहा कि चर वाग्भट जो है ना वो नाती संक्षेप विस्तर करने के एम में बहुत सारी चीजें उन्होंने काट दी, तो एक्चुअली ये अगर आप मूल सूत्र चरक में देखोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर उन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन बोली है और चिकित्सा भी बोली है, उसको चरक ने समराइज करके एक लाइन में ही बोल दिया है। सो नवज्वराम दोषेषु रुक्षस्वेदम विलंघनम, ये मूल सूत्र है जो चरक में आता है, यानी नर नवज्वर हो और साम दोष हो तो रुक्षस्वेद और विलंघन करो। ओके, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि लवण जल से वमन करो। ओके, सो ये तीन चीजें उन्होंने बोली है कि आम दोष है, नवज्वर है तो रुक्षस्वेद, यहां पर एक ही बार पूरे हिक्का श्वास में रुक्ष शब्द आता है और स्वेद आता है। ओके, सो रुक्षस्वेद यहां पर ही करने के लिए बोला है, सो पर्टिकुलर है, यानी इट इज अ स्पेसिफिक कंडीशन, यानी ऐसी चीज हो तो ही रुक्षस्वेद करो, ये अवस्था खत्म होने के बाद यू अगेन यू हैव टू कंटिन्यू विद ब्रुहण नाउ। ओके, तो ऐसी अवस्था होने तक आपको क्या करना है, रुक्षस्वेदन करना है, लंघन करना है और लवण जल से वमन करने के लिए बोला है। ओके, अगेन आपको पता होगा क्योंकि नवज्वर जो है वो वाम्य है, उसमें वमन करने के लिए बोला है, इसीलिए नवज्वर प्लस साम ऐसे दोष होने जब होते हैं तो ये तीन चिकित्साएं बोली है, इनको रिडक्शन करके वाग्भट में सामे तो आम विधिम चरेत, यानी सामावस्था अगर हिक्का और श्वास में हो तो उसमें आम विधि करो, यानी अपतर्पण चिकित्सा करो, ये उन्होंने इन शॉर्ट बोल दिया है, लेकिन इससे ये एक्चुअली उसका ग्रास पूरा नहीं आता, इसलिए मैंने ये सूत्र बोला क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो छूट जाता है। ओके, सो सामे तो आम विधिम को ये और एक चीज भी आती है, दैट इज नवज्वर। ओके, उसके बाद अगेन मैंने जैसे कहा ना, इसके बाद सिर्फ इफ्स एंड बट्स आते हैं कि इसके वजह से ये हुआ तो ये, तो सेम ये 16वां सूत्र जो है वो भी वैसे ही टाइप है, अति योग उद्धतम वातम दृष्ट्वा पवननाशन ही स्निग्ध ही रसाद्य ही नात्कृष्ण ही अभ्यंगैश्च शमम नयेत। तो क्या अगर इनका अति योग हो जाए और उसके वजह से वात उद्धतम, तो क्या वात का प्रकोप हो जाए, ऐसा अगर आपको दृष्ट्वा, ऐसा अगर आपको दिखे तो क्या करना चाहिए, पवननाशन ही यानी वातघ्न स्निग्ध ही स्निग्ध रसाद्य ही यानी रस इत्यादि आहार नाति उष्ण यानी बहुत ज्यादा उष्ण नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, अभ्यंगई ही च शमम नहीं है। ओके, तो वात का प्रकोप हो तो उन्होंने अगेन दो ऑप्शन दिए, एक तो आहार के मार्ग से या फिर अभ्यंग के मार्ग से, उन्होंने बाकी उपक्रम यहाँ पर नहीं बोले हैं, ये याद रखिए। अगर वात का अतियोग यानी अगेन नीचे टीका में उन्होंने जो दिया है, वात का प्रकोप किस वजह से, श्लेष्म औषध अतियोग उद्धत वात, यानी कफघ्न औषध आपने ज्यादा यूज कर दिए और समझो वमन विरेचन का भी अतियोग हो गया और उसके वजह से वात का प्रकोप हुआ, तो ये दोनों चीजें करनी है, एक तो वातघ्न स्निग्ध आहार विहार करना चाहिए और उसके साथ साथ वातघ्न नातिउष्ण अभ्यंग करना चाहिए। ओके, वो शमन के लिए, यहाँ पर अगेन स्वेदन वगैरह ये चीजें नहीं बोली, एक तो अभ्यंग और दूसरा आहार, इन दोनों से ही उनका शमन करना चाहिए ऐसे उन्होंने कहा है। ओके, अनुत्कृष्ट कफ स्विन्न दुर्बलानां हि शोधना वायुर्लब्धास्पदो मर्म संशोष आशु हरेत असुन कषायलेह स्नेहाद्यैः तेषां संशमये तथा। अब एक्चुअली ये 16वां जो सूत्र है ना वो अतियोग का सूत्र है और ये 17-18 जो है ना वो मिथ्या योग के सूत्र है। ओके, सभी को बताया शोधन के मिथ्या योग और अतियोग वैसे ही, तो शोधन का मिथ्या योग यानी
अवस्था वो ना होते हुए भी शोधन करना। सो अनुत्क्लिष्ट कफ अस्विन्न दुर्बल, यानी जो अनर्ह है उनका शोधन करना, दैट इज मिथ्यायोग। तो कफ अनुत्क्लिष्ट है, स्वेदन नहीं किया है, और पेशेंट भी कैसा है, दुर्बल है, उसका अगर शोधन हो जाए तो क्या होता है, वायुर्लब्धास्पदो मर्म संशोष्य आशु हरे दसु। वायु लब्धास्पद, आस्पद का मतलब होता है कारण, तो वायु इस हेतु को प्राप्त करके वो क्या करता है, मर्म संशोष्य। यहाँ पर अनेक वचन नहीं है, यहाँ पर एक वचन है, मर्म संशोष्य, मर्म का शोषण करता है। मर्म जब एज अ स्टैंड अलोन वर्ड यूज किया जाता है तो वो हृदय के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर मर्म का शोषण होता है, यानी किसका, हृदय का वो शोषण करता है, और आशु हरित असु, और वो आशु यानी फास्ट इट लीड्स टू डेथ। ओके, इसीलिए क्या करना चाहिए, कषाय लेह स्नेहाद्यैः तेषां संशमये दत्तः। ओके, सो उनका कषाय लेह स्नेह इत्यादियों इत्यादि द्रव्यों से उनका शमन करना चाहिए, यानी शमन औषधियों का यहाँ पर यूज करना चाहिए और शमन करना चाहिए। यहाँ पर अगेन दो तीन चीजें हमेशा एज अ फिजिशियन हमें चीजें याद रखनी चाहिए। सुश्रुत का जो स्नेहाध्याय है चिकित्सा स्थान में, उसके शुरुआत में ही उन्होंने ये बोल दिया है कि जो प्राण होते हैं वो स्नेहमय होते हैं। ओके, प्राण यानी ये द्वादश प्राण वगैरह जो हम देखते हैं वो प्राण, और हमें सभी को पता है कि मर्म जो है वो प्राण के प्रधान आयतन होते हैं। ओके, सो इसीलिए जब जब मर्म जो होते हैं वो रुक्ष होने लगते हैं, दे लीड टू सीवियर वात प्रकोप, और वो मर्माघात होकर सीवियर लक्षण दिखते हैं, क्योंकि मर्म में प्राण रहते हैं और प्राण क्या होते हैं, स्नेहमय होते हैं। इसीलिए प्राण की रक्षा करने के लिए स्नेह हमेशा जरूरी होते हैं, ये याद रखो। प्राणासाठी जर कुठली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असेल त्याची रक्षा करण्यासाठी, सो दॅट इज अ स्नेह। और इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, जीवनीय गण जो होता है इसीलिए उसको जीवनीय भी बोला जाता है, उसका रीजन ही ये होता है, उसका जीवन कर्म जो होता है दैट इज प्राण का आलंबन करना, इट इज थ्रू स्नेह गुण। तो वो स्निग्ध गुण करता है, वो प्राण का आलंबन करता है। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगेन अगर आप देखोगे मर्म का अध्याय जो सुश्रुत में आता है, मर्माघात जब होता है तो तीव्र वात प्रकोप होता है, क्योंकि उसका रीजन ही होता है, इट अफेक्ट्स प्राण, इट अफेक्ट्स स्नेह। ओके, तो ये जब होता है तो तीव्र वात प्रकोप होता है, इसीलिए ऐसे कंडीशन में स्नेह का उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, और उसके साथ साथ बाकी चीजें भी आती हैं, कषाय लेह एंड ऑल। ओके, सो ही गोष्ट एक अगेन एज अ फिजिशियन फॉर अ डायग्नोसिस, या गोष्टी आपल्याला माहिती असाव्या, प्राण और स्नेह का रिलेशन, और प्राण मर्म और स्नेह का रिलेशन, क्योंकि ये सभी वात से कोरिलेट होते हैं, रिलेट होते हैं, एंड वात का प्रकोप करने के लिए रीजन हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। उसके बाद अगेन जैसे हमने कहा दीर्घ काल अनुबंध जो होता है उसकी चिकित्सा वो यहाँ पर बोलते हैं। क्षीण क्षत अति सारासुर पित्त दाहानुबंध जान मधुर स्निग्ध श्रीताद्यही हिदमाश्वासान उपचार। ओके, तो क्षीणादीनाम अनुबंधो यानी दीर्घ कालत्व, या फिर और एक रीजन वो बोलते हैं तस्मात जाता, या फिर क्षीण क्षत अतिसार पित्त इनका अगर अनुबंध हो, या फिर उनसे उत्पन्न हिदमा और श्वास हो, तो उनकी चिकित्सा जो है वो मधुर स्निग्ध और शीतल इनसे करनी चाहिए। ओके, सो ये एक चीज दोनों, क्योंकि ये मैंने दोनों वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ओके, दीर्घ कालत्वम का मीनिंग अलग है, यानी क्षीण क्षत अतिसार का अनुबंध रहना, यानी बहुत दिनों तक आपके शरीर में ये रहना, ये एक चीज, और तस्मात जाता उससे उत्पन्न हुए हिदमा और श्वास। ओके, सो दोनों कंडीशन में चिकित्सा हमारी सेम रहेगी, मधुर स्निग्ध और शीत। ओके, सो ये अलग नहीं है, इसमें जो श्वासहर महाकषाय में और या फिर शोधन आदि में जैसे विदारी आता है, यष्टि आता है, जीवनीय गण आता है, अश्वगंधा आत्मगुप्ता आता है, इन सभी चीजों का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं, और स्पेसिफिकली ज्यादातर इसमें यूज किया जाता है सिद्ध क्षीर और सिद्ध घृत। ओके, सो मधुर स्निग्ध शीत ये सिर्फ सिद्धांत तो हो गया, इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ये सभी द्रव्य है। ओके, सो ये अवस्था में आप क्षीर सिद्ध क्षीरक सिद्ध घृत और ये सभी द्रव्य आप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, इथून पुढे आहार चालू होतोय, आपले सूत्र किती राहिले तिथून आम्ही कंटिन्युअस बोलतो असं होतं। ओके, ठीक आहे, हम इसके बाद थोडा आहार जो है वो कवर करेंगे, फिर हम बाद में रुक जाते हैं, चालेल ना? जलपा किंवा आपला का
7 साल. हां नाही, मी याच्यासाठी मोठे प्रॉब्लेम काय होतं, ते कंटिन्युअस बोलत गेलं की मग पुढच्यांचं पण ते सॅच्युरेट होत जातं, मोठे कंटाळा येत जातो. म्हणून म्हटलं आपण मग इथून थोडे आहार के रिलेटेड जो सूत्र आते वो देखेंगे, फिर हम रुक जाएंगे शमन चिकित्सा और वो हम अगली बार देखेंगे. ओके. कुलत्थ दश मूलानां क्वाथेस्युर जांगला रसः यूषाश्च शिग्रुवार्ताक कासघ्न वृष मूलकैः पल्लवैर् निम्बकुलक बृहति मातुलुङ्गजैः व्याघ्री दुरालभा शृङ्गी बिल्व मध्य त्रिकण्टकैः सामृताग्नि कुलत्थैश्च यूष स्यात् क्वथितैः जले तद्वद रासना बृहत्यादि बलामुद्गैः सचित्तकैः. एक इंटरेस्टिंग गोष्ट चीज जो है वो एक हमें हमेशा आप देखोगे ये सभी जो प्रधान उपक्रम हो जाते हैं ना उसके बाद डायरेक्टली शमन औषधा नहीं चालू हो जाते किसी भी संहिता में. उसके बीच ना सबसे पहले आहार का वर्णन आता है और फिर बाद में वो शमन मेडिसिन जो हम जनरली बोलते हैं ना जो हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो लास्ट में आता है. ओके. सो अगर आप संहिताओं की एक रचना देखोगे तो बहुत बार ये वमन विरेचन वाले जो शोधन होते हैं वो आते हैं, इसके बाद आहार का वर्णन आता है और फिर लास्ट में शमन द्रव्य आ जाता है. उसका रीजन ही ये होता है कि अगर आपको वो सूत्र याद हो भेषज क्षपिते पथ्यम आहार ही एव ग्रहणम, कि मेडिसिन के वजह से भेषज के वजह से जो क्षपण होता है उसमें आहार जो होता है वो सबसे बेस्ट ग्रहण करने वाला होता है. ओके. म्हणून ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, आहाराला ही तितकंच महत्व येतं, यानी आहार को भी उतना ही इम्पॉर्टन्स आ जाता है, क्योंकि शोधन के बाद जो क्षपण हुआ होता है शरीर में उसको भर के लाने के लिए जो है वो आहार इम्पोर्टेंट होता है. वहां पर शतावरी दे दिया, वेट गेन के लिए अश्वगंधा दे दिया, उससे काम नहीं होता, क्योंकि अगेन आहार में और औषध में फर्क क्या होता है ये भी हम सभी को पता है, वीर्य प्राधान्य और रस प्राधान्य. आहार जो होते हैं वो रस प्रधान होते हैं, इसीलिए आहार जो है वो हमेशा शरीर के लिए इजीली साथ में हो जाता है. यानी आप जो आहार के स्वरूप में लेते हो वो इजीली एक्सेप्ट और अडेप्ट हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है शरीर की तरफ से, उतना मेडिसिन नहीं होते. ओके. और एक रीजन हमेशा होता है, आपको स्वभाव परमवाद भी पता होगा, हम दो तीन चीजें करते हैं जब हम चिकित्सा करते हैं. ओके. एक तो खराब जो परंपरा है उसको आप बदल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं अच्छे वाले धातुओं की जो संतान परंपरा है उनको हम बढ़ाते हैं, ताकि क्या हो जाता है कि जो विषम धातुओं की परंपरा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. सो इस चीज में भी रोल जो है वो इस सिद्ध आहार का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब आप सिद्ध आहार देते हो तो ये सम धातुओं की परंपरा जो है वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे, और ये जब बढ़ते जाता है सो कंपेरेटिवली विषम धातु जो है वो धीरे धीरे कम होते हैं, एंड देन स्वभाव परमवाद अपना काम कर देता है. ओके. सो उस इसके लिए भी शोधन के बाद डायरेक्टली वो शमन पर जंप नहीं करते, वो आहार का इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए वो बीच में आहार आ जाता है. इसीलिए यहाँ पर देखोगे आहार का वर्णन आ जाता है फिर शमन आ जाएगा. ओके. सो कुलत्थ दश मूलानां क्वाथे स्युः जांगला रसः यूषाः च. ओके. सो पहले उन्होंने दो ऑप्शन अगेन दे दिए, कुलत्थ और दशमूल, इनका जो काढ़ा है उनमें एक तो आप जांगल मांसरस करो या फिर उसके साथ साथ यूष करो. ओके. और वो भी हाँ यस, यूषाश्च शिग्रुवार्ताक कासघ्न वृषमूलकैः. ओके. सो अगेन मांसरस और यूष ये दोनों कल्पनाएं अलग अलग क्यों थी, अगेन प्राधान्य कौन से दोष का है उसके हिसाब से. यानी श्वास में अगर प्राधान्य वात का होगा तो जांगल रस विल बी आहार ऑफ चॉइस, और अगर उसमें कफ का प्राधान्य होगा तो यूष विल बी आहार ऑफ चॉइस. ओके. इसीलिए कुलत्थ दशमूल कॉमन रहेगा, दोष कौन सा है उसके हिसाब से आहार क्या देना है ये बदलेगा. ओके. सो दिस इज वन थिंग. उसके बाद जो आता है दैट इज शिग्रुवार्ताक कासघ्न वृषमूलकैः पल्लवैः निम्बकुलक बृहति मातुलुङ्गजैः व्याघ्री दुरालभा शृङ्गी बिल्व मध्य त्रिकण्टकैः. तो शिग्रु सभी को पता है, सिर्फ शिग्रु का प्रॉब्लम ये होता है कि शिग्रु पित्तकर भी होता है, तो कफवात बहुत ज्यादा बड़े हैं ऐसे कंडीशन में शिग्रु यूजफुल होता है, वो उष्ण भी होता है, कफवातघ्न होता है. वार्ताक का सभी को पता है वो वातघ्न है, दीपन है, कटुपित्त है. कासघ्न यानी कासमर्द है सभी को पता है, वृषमूल यानी वासा वो भी क्लियर है. पल्लवैही यांची सगळ्यांची, यानी निंब कुलक बृहती मातुलुंग. ओके. सो निंब सभी को क्लियर है, कुलक का मतलब अगेन काय म्हणतात त्याला पटोल. ओके. भोपळा वगैरे हे त्याचा एक भाग, पडवळ वगैरे असं त्याच्यामध्ये येतं ते कुलक. बृहती आणि मातुलुंग
ओके सो इन सभी के पल्लवी आते हैं हमारे बरोबर चालू हाँ यस टीका में एक मिनट मैं टीका में एक बार क्लियर कर देता हूँ। हेमाद्री कहते हैं तत्र निम्बादीनाम पल्लवः इतरेषां यथास्वं प्रसिद्धो अवयवः। ठीक है सो निम्बादी जो है इनके पत्र लेने हैं और बाकी के जो है उनके यथा अंग जो हम यूज करते हैं वो उनके लेने हैं। ओके सो ये सभी द्रव्य इनके काम अभी पता है। मातुलुंग वगैरह का यूज जो है ना वो हम आगे शमन में भी देखेंगे कि मातुलुंग काम कैसे करता है। ओके सो दैट विल वी ऑल्सो सी। शिग्रु वगैरह जो है ना उसका यूज करना है ये भी देखा है। शिग्रु वार्ता का कासग्न वृषमूल इनका यूज भी। फिर निम्ब पल्ल निम्ब इत्यादि का पत्र जो है या वो यूज करना है। और फिर अगेन आगे जाके व्याघ्री दुरालभा श्रृंगी बिल्व मध्य त्रिकंटक अगेन ये सभी शमन द्रव्य है सभी को पता है जो हम एज अ चिकित्सा यूज करते हैं। व्याघ्री दुरालभा कर्कट श्रृंगी बिल्व फल जो है वो और त्रिकंटक यानी गोक्षुर स अमृता यानी अमृता का मतलब अगेन गुड़ुची अग्नि यानी चित्रक और कुलत्व। ओके इनका जो यूष है वो यूष क्वथित ही जलेगी इनके क्वाथ में वो यूष जो है वो सिद्ध करके ये लेना है। सभी शमन द्रव्य है और इनका कार्य कारण हो स्पष्ट है। डिटेल थोड़ा हम बाद में जरूर देखेंगे। तद्वत रासना बृहत्यादि बला मुद्गई ही सचित्र गई और उसके जैसे ही यानी ऊपर जैसे ही जैसे हमने यूष किया वैसे ही रासना और बृहत्यादि गण बला और मुद्ग ये चित्रक के साथ यूष करो। और बृहत्यादि का मतलब होता है एक्चुअली ह्रस्व पंचमूल। ओके तो ह्रस्व पंचमूल रासना बला मुद्ग और चित्रक इनका ऊपर जैसे ही क्वाथ करके उसमें मुद्ग डालकर उसका यूष करना है ऐसे उन्होंने कहा है। ओके पेयाज चित्रकाजाज श्रृंगी सौवर चले ही कुर्ता यस। अब यहाँ पर ना थोड़े एक अलग चीज याद रखो यहाँ पर कल्पना अगेन बदल गई। ओके यहाँ तक हमने अगर देखा होगा आपने देखा होगा दो कल्पनाएं आई थी एक तो माउंसरस आया और यूष आया। ओके उसके बाद यहाँ पर वो जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज पेया। ओके ये अगेन पेया जो है वो अलग आहार कल्पना है। ये अगेन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूष और पेया ये जो है ना वो टोटली अलग अलग काम करते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा पेया जो है सूत्र शायद रक्त पित्त या फिर ज्वर में से है पेया पांसुषु वृष्टिवत ऐसा वर्णन किया है। पेया जो होती है ना वो ज्यादा द्रव महाभूत प्रधान होती है वो थोड़ा क्लिन्न होती है। तो रक्त पित्त में जो सूत्र आता है शायद उसी के टीका में ये है ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम पेया पूर्वम अधोगते। ओके ऊर्ध्वग रक्त पित्त हो तो तर्पण पहले देना चाहिए और अधोग रक्त पित्त हो तो पेया पहले देनी चाहिए। ओके और उसके शायद टीका में ये बोला है कि कफ प्रधान या फिर पित्त प्रधान ऐसी कंडीशन हो तो पेया कभी भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि उससे द्रवत्व बढ़कर क्लिन्नता बढ़कर कफ और पित्त ज्यादा बढ़ जाता है। ओके इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि फिर अगर हमें क्या बोल सकते हैं उसे कल्पना बदलनी है तो पेया कौन से अवस्था में यूज होगी जैसे रक्त पित्त में पेयाम पूर्वम अधोगते वैसे ही श्वास में अगर वात प्राधान्य हो यू गो फॉर पेया अगर कफ प्राधान्य हो यू गो फॉर यूष। ओके हे समझना महत्वाचार है इथे पेया ये वर्ड स्पेसिफिकली अगर उन्होंने यूज किया है तो एक्सपेक्टेड है कि पेया अगेन अवस्था के हिसाब से यूज करो। कफ प्रधान अवस्था में पेया कभी भी यूज नहीं होगी क्योंकि उसमें जो मैंने बोला पांसुषु वृष्टिवत यानी अगर कहीं पर पांसु यानी ये जो मृत्तिका वगैरह होती है वहां पर अगर बारिश गिरे तो क्या हो जाता है सभी मड़ी हो जाता है। वैसे ही शरीर में कफ होने के कंडीशन में अगर आप ऊपर से आप पेया दे देते हो तो पूरा शरीर में क्लेद हो जाता है। इसीलिए पेया यहाँ पर जो यूज करनी है वात प्रधान अवस्था में यूज करनी है ये याद रखो। फिर पेया की फलश्रुति भी आपको वो पता होगी मलानुलोमनी पथ्या पेया दीपन पाचन। ओके तो पेया क्या करती है दीपन पाचन भी करती है और मलानुलोमन भी करती है। ओके सो इन सभी चीजें के लिए पेया यूज होती है अनलेस सिर्फ उसको कंडीशन क्या लगेगी वात प्राधान्य। ओके यूष विल बी यूजफुल इन द कफ प्राधान्य। सो पेया जो चित्रक अजाजी श्रृंगी सौवर चलेगी कुर्ता। ओके तो चित्रक अजाजी कर्कट श्रृंगी और सौवर चला इनसे सिद्ध की हुई पेया आप यूज कर सकते हो या फिर उन्होंने ऑप्शन दिया सबसे जो यूज ज्यादा होता है प्रैक्टिस में दैट इज दशमूल श्वासहित महारुजापा या फिर दशमूल से सिद्ध पेया। दशमूल कफवातग्न है श्वास कासर ये सभी को पता है सो दैट इज क्लियर। दशमूल षठी रासना भारंगी बिलवर ही पौष्कर कुलीर श्रृंगी चपला
तामरक्यामृत औषधि पिबेत कषायम जीर्णस्मिन् पेया तैरेव साधिता। फिर इसका कषाय, इन सभी द्रव्यों का कषाय करके उसमें सिद्ध की गई पेया भी यूजफुल है। अगेन ये सभी शमन औषधि ही है जो हम सिद्ध के लिए यूज करें। दशमूल है, शठी, रासना, भारंगी, बिल्व, रुद्धि, जो वृद्धि और रुद्धि जीवनीय में आते हैं वो, पुष्करमूल, कुलीर शुंगी का मतलब अगेन कर्कट शुंगी, चपलाइस सिनोनिम फॉर पिपली सभी को पता है, तामल की अमृता एंड औषधि दैट इज अलग अलग, अमृता इज गुड़ूची, औषध का मतलब विश्वा दैट इज शुंठी। ओके, सो इनका कषाय करके वो उनसे सिद्ध अगेन हमें पेया करनी है। सो दैट इज अगेन अनदर ऑप्शन। शाली षष्टि का गोधूमा यव मुद्ग कुलत्थभुक कास सॉरी कास रुद्र पार्श्वार्थी हिक्का श्वास प्रशांत। फिर खाने के लिए क्या देना चाहिए, शाली षष्टि का गोधूमा यव मुद्ग और कुलत्थ। कुलत्थ का एक हम बहुत बार भूल जाते हैं, फर्स्ट ईयर से हमें सिर्फ यही पता होता है कि कुलत्थ का सबसे बेस्ट यूज होता है दैट इज अश्वरी भेदन। तो हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब जब कुलत्थ आता है हमें सिर्फ अश्वरी ही याद होता है। बट अगर आप चरक हो या फिर वाग्भट हो उसमें आप एक बार कुलत्थ की फलश्रुति देख लो, उसमें हिक्का श्वास कास प्रशांत ये ऐसे कहा है। ओके, इसीलिए कुलत्थ का वर्ण ना बहुत बार बार हिक्का श्वास में आता है, त्यामुळे आवर्जून हे पण पेशंटला पथ्यामध्ये सांगा। कुलत्थ इज नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर अश्मरी आयुर्वेदामध्ये। ओके, सो वो हिक्का श्वास कास के लिए बहुत यूजफुल होती है। तो ये पेशंट को बोलो कि कुलत्थ इज पथ्य इन हिक्का श्वास कास, तो ये भी एक चीज पेशेंट को प्रैक्टिकली बोलने के लिए कि कुलत्थ, और ये कुलत्थ मिलता भी है। सो कुलत्थ शुड बी गिवन एज अ पथ्य टू श्वास कास पेशेंट, हे एक आवर्जून लक्षात ठेवण्यासारखा है। दूसरी बात, इसमें एक दो चीजें अगेन थोड़ी अलग अलग आ जाती है, दैट इज शाली षष्टि का गोधूमा और यव। अगेन ये जो शाली षष्टि का गोधूमा ये ग्रहण करने वाले हैं तो वो उसके हिसाब से वो देना, और यव जो है सभी को पता है वो बहुत ज्यादा रुक्ष है और वो कर्षण करता है, सो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर कफ अवस्था। ओके, ये सगळं एकत्र द्याव असं नहीं है, ये सब एक साथ मिक्स करके देना एक्सपेक्टेड नहीं है। वात प्रधान अवस्था हो, ग्रहण करने की एक्सपेक्टेशन हो तो शाली षष्टि का गोधूमा, अगर अगर कफ प्राधान्य हो और रुक्षत्व लाना है शरीर में तो यव। ओके, मुद्ग तो पथ्यकर सबसे है तो इट विल ऑलवेज बी पथ्य। ओके, सो ये सभी किसके लिए, तो कास रुद्र पार्श्वार्थी हिद्मा श्वास प्रशांत, इन सभी व्याधियों का प्रशम करने के लिए भूख, यानी ये भोजन में ये खाने के लिए होना चाहिए। सत्तुन्वा अर्कांकुर क्षीर भावितानाम समाक्षिकान यवानाम दशमूलादि निष्क्वात लुलितान पिबे अन्य योजित क्षार हिंगवाज बिड़दा आडिमान सपौष्कर षटिव्योष मातुलुंगाम्ल वेतसा। और एक्सट्रीम रुक्षत्व आगे आगे आहार कल्पना में आता है। सत्तुन्वा अर्कांकुर क्षीर भावितानाम, यानी सत्तु जो है यानी यव के जो सातु होते हैं उनको अर्कांकुर के क्षीर की भावना देनी है, और वो भी किसके साथ खाना है, तो शहद के साथ खाना है। सो दैट मच रुक्ष गुण इज एक्सपेक्टेड, यानी एक तो सातु है उसको भावना भी वो अर्क की, और उसको सेवन भी किसके साथ करना है, तो शहद के साथ करना है। सो ये एट ऑल वात का अगर प्राधान्य है तो ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कफ की प्राधान्य अवस्था प्रोडक्टिव कफ है, स्त्यान कफ, पिचिल कफ, इस कंडीशन में ही ये यूजफुल हो सकता है। ओके, सो रुक्षतम वाला आहार ये आप बोल सकते हो। यवानाम दशमूलादि निष्पात लुलितान पिबे, अगेन थोड़ा यव का ही अलग कल्पना करके, दशमूलादि निष्पात यानी ऊपर हमने जो दशमूल षटी रासना जो देखा उसके क्वाथ में आलोड़ी तक की हुए यव जो है वो आप पी सकते हो। अगेन इट इज नॉट फॉर वात प्रधान अवस्था। ओके, तो दशमूलादि क्वाथ में सिद्ध किए हुए यव या फिर अर्क की भावना दिए हुए सातु जो है वो शहद के साथ, इट इज रुक्ष गुण। अन्य जो योजय क्षार हिंगवाज्य बीड आड़िमान सपौष्कर षटी व्योष मातुलुंगाम वेतसान, दिस इज फॉर वात। ओके, अगर आप देखोगे ये सभी अन्न की योजना जिन द्रव्यों के साथ की करने के लिए बोला है वो सभी अनुलोमक है, तो ये जहां पर आपको वात का अनुलोमन करना है ना, यानी कोष्ठ में वात बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है कि अपान वायु दुष्ट होने के वजह से ये हिक्का श्वास उत्पन्न हुआ है, ऐसे टाइप की जो संप्राप्ति घटित होती है उसमें ये सिद्ध अन्न जो है वो यूजफुल है, दैट इज क्षार, हिंगु, आज्य यानी घृत, बीड लवण, दाढ़ीम, उसके साथ छठी पुष्करमूल, त्रिकटु, मातुलुंग और आम्लवेतस।
ओके सो ये जब जब आपको कोष्ठगत वात पर काम करना है, वात का अनुलोमन करना है, अपान का अनुलोमन करना है, तब इन द्रव्यों से सिद्ध जो आहार है वो दिया जाता है। ऊपर वाला जो है वो पूरा का पूरा कफ प्रधान अवस्था काला है, अवस्था का है, और नीचे वाला जो है वो वात का अनुलोमन। आई विल नॉट से वातघ्न, ओके, वातघ्न इज डिफरेंट थिंग, वात अनुलोमन इज डिफरेंट थिंग। ये भी अगेन चिकित्सा में लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर जो षठी पुष्कर मूल है ना वो वातघ्न है, मातुलुंग अम्ल वेतस दाढ़ी में ये जो है ना ये वात अनुलोमन करने वाला है। ओके, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग टारगेट एरियाज होते हैं। ओके, वहां पर उर एक्सपेक्टेड नहीं है। जब आप मातुलुंग अम्ल वेतस दाढ़ी यूज करोगे, यू आर नॉट टारगेटिंग उरस्थ, यू आर टारगेटिंग आमाशयोत्थ एंड कोष्ठगत वात, जो उसका रोग मार्ग है। ओके, सो वो टारगेट एरिया उसका अलग है, और वैसे संप्राप्ति भेद करना वहां पर एक्सपेक्टेड। ओके, सो ये अवस्था के हिसाब से आहार विहार अलग होता है। अगेन पान के लिए ये आ जाता है, वो भी एक देखभाल लेते हैं, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ डाइट। दशमूलस्य वा पाथम अथवा देवदारुणः पिबेद वा वारुणी मंडम हिमाश्वासी पिपासिता। सो खाने के लिए हो गया, तो पीने के लिए क्या? ओके, सो दशमूलस्य वा पाथम, तो दशमूल क्वात है, दशमूल विषय राजा विषय बोलने की गरज नहीं है, दशमूल के बारे में काम कैसे करता है। देवदारुण वा काथम, ओके, देवदार का क्वात जो है वो भी उन्होंने बोला है। देवदारु मेरे यूज में पहले नहीं था, पेंटसे सर के पास जब मैं सीखने गया तो सर के यूज में देवदार बहुत ज्यादा है, तो सर बहुत ज्यादा यूज करते थे इसलिए मेरे प्रैक्टिस में आया। तो जब देखे मैंने गुण, तब जाके ये समझ में आया कि क्यों क्यों देवदार सर वात में बहुत ज्यादा यूज करता है, क्योंकि सर कोष्ठ हो शाखा हो, जब जब वात प्राधान्य अवस्था है सर देवदार बहुत ज्यादा यूज करता है, क्योंकि देवदार जो है ना वो विबंध हर और आध्वान हर भी बहुत अच्छा है। ओके, तो वो विबंध और आध्वान जो कोष्ठ में होता है वो भी कम करता है, और वो कफ वातघ्न भी है। सो दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल, क्योंकि अगेन ये हमेशा याद रखो, ये कौन सा वाला देवदार जो सस्निग्ध होगा वही, यानी सभी को पता है देवदार जो होता है उसमें स्नेह होता है। ओके, देवदार से तेल निकाला जाता है, सो एक्सपेक्टेड वो वाला है, यानी तेल निकाला हुआ देवदार का चूर्ण यूजफुल नहीं होगा। जिसमें जो सस्नेह देवदार है उससे जो चूर्ण बनता है वो अगर आप यूज करोगे दैट विल बी यूजफुल हियर। ओके, तो वो आध्वान का शमन करता है, विबंध नष्ट करता है, और कफ वातघ्न काम भी करता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल। यहाँ पर जो उसका रोल है वो वैसा है। ओके, सेकंड इज वारुणी मंडम। अब वारुणी मंडम अगर आपको अगेन याद होगा तो दो जगह इसका एक रेफरेंस बहुत इजी आता है जो आपको पता होगा। एक तो मूत्रक्षय की चिकित्सा में हमारा जो 11-12 अध्याय होता है भागवत का, सबसे बेसिक जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर मूत्रक्षय की चिकित्सा के लिए वारुणी मंडम एज ए चिकित्सा उन्होंने बोला है। ओके, और सेकंड जो एक हमें हमेशा पता है वारुण्यास की अति सेवना इज अ हेतु फॉर मेदोवस्थ। ओके, सो इसमें ये दो रेफरेंस मैंने इसलिए दिए, इससे हमें समझ में आ जाता है कि वारुणी मंडल का काम क्या हो। सो दैट इज इट इंक्रीजेस द्रवगुण, इट इंक्रीजेस क्लेद, इसीलिए हम मूत्रक्षय में भी यूज करते हैं, और इसीलिए ज्यादा पीने से वो मेद को खराब भी करता है। ओके, सो दैट इज द रीजन। तो इसीलिए हम ये अगेन यूज कहाँ पे करेंगे, नॉट इन कफ प्रधान अवस्था, वात प्रधान अवस्था में। ओके, सो अगर ऑलरेडी शरीर में कफ ज्यादा है तो वारुणी मंड ज्यादा यूज नहीं होगा, ऑन अ रादर इट विल बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, तो जिनमें हम बोलते हैं कि कृश पेशेंट है, या फिर जो कार्श आया है, रौक्ष शरीर में बहुत ज्यादा है, ड्राई कफ है, ऐसे कंडीशंस जो होते हैं उसमें वारुणी मंड ज्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, कफ प्रधान अवस्था में ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, पिप्पली पिप्पली मूल पथ्या जंतुघ्न चित्र गई ही कलकित ही लेपिते रूढ़े निक्षिपे घृत भाजने तक्रम मांस स्थितम तधि दीपनम श्वासकाशित। इट इज, यहाँ पर उन्होंने यहाँ उसको नाम नहीं दिया है, लेकिन इट इज एक्चुअली अरिष्ट। ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि पिप्पली पिप्पली मूल पथ्या यानी अभया, जंतुघ्न यानी विडंग, चित्रक, इनका कल्क जो है उसका लेपन करना है उस पात्र को, और फिर उसमें तक्रम निक्षिप है, उसमें तक्र डालकर एक मास स्थित, एक मास तक उसको रहना है और रखना है, और उसको फिर बाद में पीने के लिए यूज करना है। सो और वो कैसे होता है, तो दीपनम श्वासकाशित। ओके, फलश्रुति इजी है समझने के लिए, कार्यकारण भाव। तो एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने नाम उसको दिया नहीं है, लेकिन इट इज अरिष्ट कल्पना। ओके, सो अरिष्ट कल्पना का भी काम हम आगे देखेंगे जब हम मेडिसिन एक बार देख लेंगे, लेकिन सभी को वो पता ही है। सो दिस इज एक्चुअली अरिष्ट कल्पना जो यहाँ पर यूज की गई है। ओके, अगेन और पान करने के लिए उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं थोड़े,
पाठाम मधुरसाम दारु सरलम च निशिष्ठितम सुरामंडे अल्पलवनम पिबेत प्रसृत संमितम। ओके, तो यहाँ पर यूज क्या करना है, तो सुरामंडे यूज करना है। उसमें क्या बोल सकते हैं उसे, द्रव्य कौन कौन से है सिद्ध करने के लिए, पाठा मधुरसा का मतलब होता है मूरवा, देवदारू सरल जो देवदार की ही एक अलग स्पीसीज होती है वो, तो निशिष्ठितम रात में रखे हुए सुरामंडे में, उसमें अल्पलवणम, अगेन क्लेद ज्यादा ना हो इसलिए अल्पलवणम पिबेत प्रसूत, प्रसूत का मतलब होता है दो पल। ओके, सो वो यूज करना है। अगेन अगर आपको अनुपान याद हो वाग्भट का, तो कृश व्यक्ति के लिए सुरा बोली गई है, उसका रीजन ही वही है। ओके, सो इट इज वातघ्न श्वासकासर है सुरा जो है वो, इसीलिए सुरामंड का अगेन यहाँ पर यूज करने के लिए बोला है। यस, उसके आगे अब शायद ये शमन चालू हो जाता है। यस, तो ये पढ़ के रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ तक ही एक्चुअली आहार है। भारंगी शुंठे और सुखाम्भो भी क्षारम वा मरीशान्विता सकवात पिष्ठाम लुलिताम बाष्पिताम पायेतवा। ओके, शायद हमने हाफ जो है वो कवर कर दिया है, उसके आगे शमन चिकित्सा ही शुरू हो जाती है। ओके, तो शमन चिकित्सा का हम अलग से विचार करेंगे। तो सुरामंड तक ये पानार्थ और आहार ये जो है ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आता इथे फक्त थांबायचे शंका असतील तर कोणाला विचारता येतील, जितेंद्र किंवा अगर आपके डाउट्स हो तो हम ले सकते हैं। हाँ, उज्ज्वला मैडम ने जो पूछा है गिलायु शोध वगैरह, मैडम वो जो है ना उसमें टिपिकली द्रव्य जो है ना वो अधिकरण ही बदल जाता है, यानी गिलायु शोध हिक्का श्वास से बहुत अलग हो जाता है, तो उसमें ना जनरली मैं सभी जो पता है वही मैं यूज करता हूँ। लेखन करने वाले जो कुकुट नक्की से स्टार्ट होकर जो होते हैं ना मैं वही यूज करता, यानी इवन दो लेखनीय गण जो होता है ना उसमें जो सुगंधी द्रव्य आते हैं लाइक फॉर एग्जांपल कुष्ठ वगैरह जो होता है ना वो आप धूमपान के लिए यूज कर सकते हो। सो वचा कुष्ठ तगर फॉर दैट मैटर, ये सब चीजें जो कफ का छेदन करती हैं उसके साथ साथ कुकुट नक्की तो हम सभी यूज करते हैं, सो वो आप धूमपान के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, सो इट इज अप टू यू, यानी ये हमारे ऊपर ही होता है कि हम उसकी कल्पना कैसे करें। सो दैट यू कैन यूज फॉर धूमपान इन गिलायू शोथ एंड ऑल। मैं कुष्ठतगर फक्त हाँ पुनः सांगतो, कुष्ठतगर वगैरह मैंने इसलिए बोला आपको याद होगा कि ये सभी नस्यमय वगैरह इनको अवॉइड करने के लिए वो बोला है क्योंकि वो तीक्ष्ण होते हैं, तो उससे वो मस्तुलुंग क्षय वगैरह ये सभी चीजें होते हैं वो हम ऑन अ कॉन्ट्राडिक्टरी वो उनके गुण होने के वजह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं गिलायु शोथ, क्योंकि वो तीक्ष्ण उष्ण होते हैं तो वहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि वहां पर क्षय हो सकता है, यहाँ पर वही हम गुण यूज करते हैं कुष्ठतगर एंड ये सभी जो है वो, तो उससे वो शोफ और ये सभी जो ग्रथित अवस्था होती है वो उसका छेदन हो जाता है, सो दैट यू कैन यूज फॉर धूमपान। हाँ यस 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 बिल्कुल बिल्कुल, ओके आई अंडरस्टैंड, उदान वायु एंड ऑल दैट थोड़ा रिलेशन होता है, बिल्कुल श्योर श्योर। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया हमें हर सूत्र और अध्याय पूरी डिटेल में आपने समझाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।